Radhe Radhe, 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 Radhe Radhe,
नंदद्वै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदेये सत्यवदने नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दं श्रियाद्वैत जगदाधर
Thank you.
Yeah.
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाई तुलसी देवी प्रिया ऐ केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदर श्री 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 माद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री मनु महाराज के तीन बेटी और दो बेटे के तीन बेटियों में आकुति देहुति और ये प्रसूति। कभी ये प्रसूति को साथ में कभी ये दक्ष प्रजापति की शादी हुई और उनसे उनको 13 बड़ी प्यारी प्यारी सुंदरी सुंदरी कन्या हुई। लेकिन जो सबसे छोटी कन्या थी उसका नाम थी सती और ये सती को साथ में श्री भोले बाबा की शादी हुई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये ससुर और दामाद में लड़ाई हो गई तो उनको जवानी अवस्था में सती को प्राण त्याग करना पड़ा। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं भैया शंकर जी को साथ में दक्ष प्रजापति की लड़ाई क्यों होगी? क्योंकि जो शंकर जी कहते सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी वो तो बड़े प्यारे बड़े दयालु हुए, फिर इनको साथ में ससुर को फिर लड़ाई क्यों हो जाएगी? कारण क्या है? बोले इसका बड़े रहस्य बात है। बोले जिस समय ब्रह्मा जी ये दक्ष प्रजापति को उन्होंने अपना प्रजापति पद में नियुक्त कर दिया बहुत बड़े पोस्ट मिल गया। बोले प्रभुता पाई और कामद नाही, मतलब है ये प्रभुता ऐसे के चीज है। प्रभुता मतलब होता है पोस्ट। कभी ऐसे के चीज है जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति हो जिसको थोड़ी सी बड़ा पोस्ट मिल जाए और जिसको अंदर में अभिमान नहीं आए, बड़ा गड़बड़ी चीज है। इसलिए उसको हजम करना बड़ा कठिन। इसलिए माता कुंती इसलिए कहती हैं चार ही तरह का व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेगा। बोले कौन है? बोले जन्म, जिसको बड़ी हाई फाई कुल में जन्म हो गया, ऐश्वर्य, जिसको पास में ज़्यादा पैसा हो गया,
जन्म श्रुत, श्रुत मतलब होता है थोड़ी सी जिसको ज्ञान हो जाए, श्री मतलब जिसको थोड़ी चमड़ा अच्छा हो जाए, जो सुंदर हो जाए। कदी ये चार ही व्यक्तियों का अंदर में अभिमान आ जाता है, लेकिन अगर ये चार ही व्यक्ति है, अगर किसको अभिमान नहीं आए तो समझना इनको ऊपर में ठाकुर जी की बड़ी आशीर्वाद, बड़ी कृपा इनको ऊपर में ठाकुर जी की है। जो भगवान की भक्ति करते हैं बड़ा अभिमान हो गया। अभी प्रयाग में कुंभ मेला पड़ी, कुंभ मेला में सारे देवता लोग आकर के बैठे, पहले बैठी गए, लेकिन ये दक्ष प्रजापति ये जान बूझ करके वो पहले नहीं आया। क्यों? कहते बड़ा पोस्ट मिल गया ना, लास्ट में जाऊंगा तो सभी खड़े होकर के मेरे को स्वागत करेंगे, मेरे कितने जय जयकार होगा। वो जान बुझ करके बदमाश करके एकदम लास्ट में प्रवेश किया। जब प्रवेश किया और ऐसे ऐसे आँख घुमा घुमा करके देख रहा था, कौन मेरे को देख करके सम्मान कर रहा है, कौन असन्मान कर रहा है, सबके सब खड़े होकर के उनको सम्मान किया। लेकिन ये दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, कौन है? एक ब्रह्मा जी और एक भोले बाबा। अभी वो सोच रहे हैं ब्रह्मा तो पिताजी है, अरे पिताजी को कोई जरूरत नहीं, मैं उनका बेटा हूँ। लेकिन ये जो शंकर जी को मैंने अपना सबसे प्यारी बेटी मैंने सती को दिया, ये तो मेरे दामाद है ना, दामाद बेटा जैसे होता है, और वो मेरे को देख करके थोड़ा सम्मान भी नहीं कर पाए। भरी सभा में उसने ऐसे गाली गलौज की, बोले मेरे सबसे सुंदरी बेटी मृगनयनी सती बहुत सुंदरी है, इसलिए उनको शास्त्र में सुंदरी सुंदरी बताई गई। लेकिन ब्रह्मा जी बोलने पर मैं इतने सुंदरी बेटी दी, लेकिन देखो भरी सभा में थोड़ी सी खड़े होकर के सम्मान भी नहीं कर पाए। देखो मैं ईर्ष्यावशत नहीं बोलता हूँ ये बात को है, इसलिए उन्होंने तो गाली को ऊपर गाली देने लग गए। देखो ये बंदर जैसे आँखें हैं, भांग पी पी करके आँख को लाल लाल बना करके बैठा हुआ, और ये भूत पिशाच को साथ में शमशान में रहता है, और शरीर में क्या लगाता है? कोई अच्छी चीज नहीं, बहुत ही लगाता है शरीर में है, इसलिए फिर तो उन्होंने शंकर जी को उल्टा पुल्टा गाली देने लग गए और शंकर जी को अभिशाप दिया है। शंकर जी को जब अभिशाप दिया, इतने में जब गाली दे रहा था वहां पर नंदी बैठा हुआ था, नंदी ने कहा हरी हर निंदा सुनई जे काना, कोई पाप गो घात समाना। अगर हरी हर का कोई निंदा श्रवण करता है, गैया बद करने से जैसे पाप लगता है ऐसे उसको पाप लगता है। बोले शंकर जी अगर तीसरे नेत्र खोल देना सारा विश्व ब्रह्मांड को ध्वंस कर सकते हैं, लेकिन शंकर जी चुपचाप बैठे हुए और इसका तो लाभ उठा रहे हो, तो बगबग 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 करते जा रहे हो। तुम्हें हम अभिशाप देता हूँ, तेरे सर पर बकरी का सिर लग जाएगा। जब इतना बोले वहां पर भृगु ऋषि थे, बोले क्या तो बीच में कौन होता है बोलने वाले? ये ससुर दामाद का लड़ाई, तो बीच में क्यों बोला? बकरी का सर लग जाएगा। फिर तो उन्होंने अभिशाप दे दिया, जितने शंकर जी के जितने भक्तों को अभिशाप दिए, बोले भव व्रता धरा दे चेतता पाखंडी नस्ते भवंतो सत शास्त्र परिपंथी ना, अभिशाप दे दिया। बोले जितने शंकर जी के भक्त होंगे ना सब पाखंडी बनेंगे, सबके सब शमशान में रहेंगे, दारू पिएंगे, नशा में भरपूर रहेंगे, शमशान में बैठे रहेंगे और अघोरी बन करके रहेंगे। हाँ देखो यहाँ पर प्रश्न होता है, शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम जगत गुरु शंकर जी, तो उन्होंने अपना ससुर को देखकर खड़े हो जाते बुरा किया था, लेकिन खड़े क्यों नहीं हुए? तो उनको अंदर में दो कारण बताया। पहला कारण बताए जो शंकर जी ये महाभागवत है, कहते वैष्णवा नाम यथा संभो, भक्तों में शिरोमणि श्री शंकर जी, जो भक्त श्रेष्ठ होते हैं उनका लक्षण क्या होता है? उनका लक्षण है सर्वभूतेषु जपसेत भगवत भावात्मा। कभी ये शरीर को नहीं देखते हैं, सभी का हृदय में परमात्मा रूप में जो ठाकुर जी बैठे हुए उनको दर्शन करते हैं। इसलिए शंकर जी दक्ष प्रजापति का हृदय में जो ठाकुर जी बैठे हुए उनको उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन उसका नाम क्या? बोले दक्ष। बोले किस चीज में दक्ष है? भक्ति में दक्ष नहीं है, ये सृष्टि काम में दक्ष है, भक्ति में दक्ष बके कुछ नहीं।
इसलिए शंकर जी की जो इतने ऊंचाई भाव को समझ नहीं पाया। दूसरा कारण बताए, जो व्यक्ति भगवान के चरण में शरणागत हो जाता है, जो भगवान को प्रणाम कर लेता है, उस विश्व ब्रह्मांड सबको प्रणाम उसको हो जाता है, क्योंकि भगवान को अंदर में विश्व ब्रह्मांड है। जब ठाकुर जी के चरण में तुमने प्रणाम कर ली, विश्व ब्रह्मांड तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट तत्प्रणीते प्रणीतम जगत। ठाकुर जी अगर खुश हो गए ना, विश्व ब्रह्मांड तुम्हारी पर खुश हो गए। तब उन्होंने देखा, जब मैं ठाकुर जी को चरण में शरणागत हूँ, प्रणाम करता हूँ, तो दक्ष प्रजापति तो ठाकुर जी के अंदर में, तब उनको भी तो प्रणाम हो ही गया। लेकिन उन्होंने ये बात को नहीं समझे, और जब गाली दे रहे थे ना, शंकर जी मुस्कुरा मुस्कुरा रहे थे। अगर किसी व्यक्ति को गाली दो, वो मुस्कुराते रहे, क्या होगा? और भी क्रोध आएगा, हैं? और भी क्रोध, बोले निर्जला जो बेहद इसको शर्म नहीं आता है, देखो बैठ बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। जब दोनों दोनों को गाली दे रहे थे, और दूसरी चीज देखो, यहाँ पर उन्होंने शंकर जी के जितने भक्तों को गाली दिए, फिर उन्होंने भी क्या बताए हैं? जब शंकर जी भक्तों को गाली दिए, इतने में नंदी को बड़ा क्रोध आ गया, बोले जितने सारे शंकर जी के भक्तों को तू पाखंडी बना दिया, मैं भी सारे ब्राह्मण समाज को अभिशाप देता हूँ, कलयुग में इस सब के सब भीख मांगने वाले होंगे और दर दर बैठेंगे, सबको उन्होंने अभिशाप दिया। हाँ, ये चीज को अच्छे तरह से समझ लो। यहाँ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, उन्होंने जो शंकर जी के भक्तों को जो अभिशाप दिया है ना, शंकर जी के दो तरह का भक्त है, और शंकर जी के दो स्वरूप है। उनका एक है रुद्र स्वरूप, और एक स्वरूप सदाशिव स्वरूप है। शंकर जी का जो सदाशिव स्वरूप है, इनकी कृपा से भगवान की भक्ति और सदाशिव स्वरूप में ये जगत को शंकर जी सृष्टि करते हैं, शंकर जी हैं। इसलिए जो सदाशिव स्वरूप को जो भजन करने वाले, इसलिए हमारे संप्रदाय में सनातन गोस्वामी वो प्राय करके शंकर जी के मंदिर के पास में रहते थे, और आपस आपस में हरि चर्चा करते थे। और भागवत कौन किसको सुनाया? शंकर जी माता पार्वती को अमरनाथ में कथा सुनाया हैं। इसलिए श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय का जो आचार्य श्री शंकर शंकर जी, इसलिए शंकर जी ये परम वैष्णव शंकर जी, जितने पुराण देखो सारे पुराण शंकर जी माता पार्वती को सुनाते हैं। फिर हम कल सुनेंगे शंकर जी गोपी मूर्ति धारण करते हुए ठाकुर जी की रास में दर्शन करने के लिए आए। शंकर जी ने ही श्री चैतन्य महाप्रभु को जगत में बुलाया सदाशिव रूप में। शंकर जी ही हनुमान बन करके प्रभु राम की सेवकाई की। फिर इनके भक्त कैसे पाखंडी कैसे हो सकते हैं? नहीं, इनकी कृपा से ही जीव को भगवान की भक्ति प्राप्त होता है। लेकिन उनका जो रुद्र स्वरूप का जो उपासना करते हैं, देखो अक्सर करके रावण किसको पूजा करता था? शंकर जी को। भस्मासुर किसको पूजा करता था? शंकर जी को। बाणासुर किसको पूजा करता था? शंकर जी को। जितने अक्सर करके ये शंकर जी के भक्त देखोगे ना, सब राक्षस देखो, राक्षस सबके सब। बोले क्यों? कहते इन्होंने सदाशिव स्वरूप को भजन नहीं किया, इनके रुद्र स्वरूप को उपासना किया। आप जिसको उपासना करोगे ना, उसका गुण आपका अंदर में स्वाभाविक रूप में वो गुण आएगा, क्योंकि शंकर जी रुद्र स्वरूप में जगत का संहार करते हैं, संहार करते हैं जगत का। इसलिए अगर वह स्वरूप को उपासना करोगे तो तुम्हारे अंदर में भी ये संहार की बुद्धि तुम्हारे अंदर में भी आ जाएगी। इसलिए उन्होंने जो सदाशिव स्वरूप को उपासना करता है, उनको उन्होंने अभिशाप नहीं दिया। जो अघरी लोग हैं, जो शमशान में बैठे रहते हैं और खोपड़ी में शराब पीते रहते हैं, एकदम लाल रंग के कपड़ा पहनते हैं, त्रिशूल धारण करते, उनके लिए अभिशाप है। लेकिन सदाशिव स्वरूप को उपासना करने वाले के लिए अभिशाप नहीं। दूसरी चीज देखो, उन्होंने इधर ब्राह्मण को किसने अभिशाप दिया? नंदी ने सारे ब्राह्मणों को अभिशाप दे डाले, सब भीख मांगे बाने हो गए, दर दर भट गए। वो किसके लिए है? बोले कर्मकांडी ब्राह्मण के लिए, वैष्णव ब्राह्मण के लिए नहीं है। भगवान तो स्वयं नम ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, ठाकुर तो स्वयं ब्राह्मण की पूजा करते हैं। ठाकुर जी वो तो ब्राह्मण का देवता, ठाकुर स्वयं कृष्ण है,
हैं, इसलिए उनको अभिशाप नहीं, जो भक्ति करने वाले जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं उनको ये अभिशाप है। शंकर जी वहाँ पर बैठ थे, लेकिन जब उनको अभिशाप दिया ना, शंकर कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप चले गए। जब चुपचाप चले गए, इतने में फिर दक्ष प्रजापति को क्रोध नहीं गया, फिर शंकर जी को अपमान करने के लिए कनखल में फिर यज्ञ प्रारंभ किया। लेकिन दुनिया को तो निमंत्रण दिया, लेकिन श्री भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। कहते सी, सी मतलब क्या है? मंगलमय। केवल उन्होंने मंगलमय श्री शिव जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। अभी जितने शंकर पार्वती बैठे हुए थे कैलाश के ऊपर में, और जितने उनके दामाद थे, सब के सब रथ में बैठ करके सब के सब जा रहे थे कनखल में यज्ञ के लिए। इतने में माता सती ने ऊपर देखा, सारे दामाद सारे बहन सब के सब बैठ करके रथ में बड़े सुंदर कीर्तन करते करते पिताजी के घर में जा रहे हैं। देखो संसार में क्या आनंद है, जब शादी हो जाती है, जितना बेटियाँ अपनी अपनी ससुर घर में चली जाती हैं, अगर पिताजी घर में कोई उत्सव हो, जब पिताजी फिर अपना बेटियों को निमंत्रण देती हैं, फिर सारे बेटियाँ एकत्रित होती हैं, फिर आपस आपस में चर्चा होती है, तुम कैसे हो, तुम्हारी संसार कैसे। यही संसार में एक आनंद है, यही संसार में एक आनंद है। लेकिन अभी सती सोच रही है, देखो सारे दामाद जा रहे हैं, सारी बहनी जा रही हैं, और मैं सबसे छोटी हूँ, हैं, इसलिए कितना आनंद होगा पिताजी के घर में, सारे दामाद सारे बहन एकत्रित होंगे, और पिताजी सबको कपड़ा लता सबको दान दक्षिणा देंगे, हैं, इसलिए उसका मन में तो उतावला हो रहा है। इतने में श्री शंकर जी को बोले, बोले देखो देखो आपका जो ससुर है ना, वो यज्ञ कर रहे हैं, देखो सारे दामाद जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। इतने में शंकर जी बोले, मेरे पास में कोई निमंत्रण कार्ड नहीं आया। सती बोली, देखो ऐसे कुछ स्थान हैं जहाँ बगैर निमंत्रण के भी जा सकते हैं। बोले कहाँ कहाँ पर? जैसे गुरु जी के पास में हो, ऐसे नहीं कोई कोई नहीं सोचे गुरु जी आए हमें भी हमें कोई फोन ही नहीं किए गुरुदेव अभी तक, नहीं, गुरु जी को फोन करने का जरूरत नहीं। गुरु जी का जो घर है, गुरु जी का घर अपना पिताजी का घर होता है, इसलिए पिताजी के घर में जाने के लिए कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं। और जैसे ठाकुर जी के मंदिर में कोई निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम बगैर निमंत्रण के वहाँ हम जा सकते हैं। जो बोले शंकर जी को तो पता, ये मेरे को अपमान करने के लिए ही उन्होंने ये यज्ञ किया है। शंकर जी बोले तो बगैर निमंत्रण के मैं नहीं जा सकती हूँ। इतने में माता सती इतने उतावला हुई, घर से बोले मैं तो जा रही हूँ, शंकर जी आँख बंद करके बैठे हुए, बोले तो जा रही हूँ, शंकर जी आँख खोलते हैं क्या कर रही हैं, वो थोड़ी दूर जाती है फिर वापस चली जाती है, क्यों? पति तो आदेश दिए ही नहीं, पति के आदेश से बगैर जानी नहीं चाहिए। फिर जब फिर चली जाती है शंकर जी, फिर आँख खोलते हैं, फिर चुपचाप आकर बैठ जाती है, क्योंकि पति का आदेश ही नहीं हो रहा है। इतने उतावला हो गई सती, इतने उतावला हो गई, उसको रहा ही नहीं गई, बोले तो मैं तो जा रही हूँ, बस उन्होंने चल पड़ी। इतने में शंकर जी ने देखा ये सती तो जा रही हैं, क्यों? ये तो पतिव्रता स्त्री ना, पतिव्रता का धर्म क्या है? वो कभी अपना पति की अपमान कभी ये सह नहीं सकती, ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है, हैं? मेरी वह अपमान होगी, ये सहन नहीं कर पाएगी, और वहीं पर उन्हें प्राण त्याग देगी। शंकर जी को ही पता है, इसलिए उन्हें नंदी को बोले जाओ माँ को साथ में चले जाओ, सारे उनकी सीसा और इनके जो कंघी इनके अलंकार लेकर के चले जाओ, और सती तो घर में वापस नहीं आएगी। हाँ देखो यहाँ पर प्रश्न होता है, देखो अगर कोई स्त्री को अपना पीहर जाना, पहला कर्तव्य क्या? पति से आदेश मांगे। पति अगर आदेश नहीं दिया, पत्नी को जानी चाहिए कि नहीं? नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पत्नी के लिए स्त्री ही, स्त्री के लिए पति ही परमात्मा है, हैं, एक स्वरूप में, नहीं जाननी चाहिए। लेकिन ये तो जगदम्बा जगत जननी माँ स्वयं, फिर ये कैसे चली गई, इसका क्या रहस्य है? इसलिए हमारे गोस्वामी लोग इसकी रहस्य कहते हैं। बोले जिस समय में रावण ने सीता को उठा करके ले गया, उसी समय में प्रभु बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर रहे थे, लता पता वृक्ष को पूछ रहे थे, मेरे सीते को कहीं देखे हो? हा सीते, हा सीते, लता पता सबको पूछ रहे थे। इतने में
श्री शंकर जी सती को साथ में कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के चरण में आए थे। अभी अभी कथा सुने, कथा सुनने का फल क्या है, बोले भगवत दर्शन। जब कथा सुन करके शंकर आ रहे थे, इतने में देखा प्रभु राम लक्ष्मण व्याकुल होकर के लता पताओं को पूछ रहे थे, मेरे सीते को कहीं देखे हो, मेरे सीते को कहीं देखे हो। शंकर जी ने देखा, देखो प्रभु जी की क्या अद्भुत लीला है, जो घटघटवासी सभी के हृदय में जो बैठे हुए हैं, लेकिन असली सीता थोड़ी रावण लेकर गया, वो तो नकली सीता को लेकर गया ना, वो असली सीता तो अग्नि के पास में है, लेकिन देखो प्रभु की कितने प्यारी लीला है। कहते उन्होंने ऐसे क्यों किया है, कारण किया, बोले कारण है इसका एक रहस्य बताए। अक्सर करके भगवान राम जब वनवास में रहे, ऋषि मुनियों का आश्रमों के पास में रहे, क्यों ऋषि मुनियों का संग मिलेगा, सत्संग मिलेगी, इसी लोभ से रहे। लेकिन सीता तो पतिव्रता नारी हैं, पतिव्रता नारी, पति की इतने सेवा करती, इतने सेवा करती थी पति की, पति उठने से पहले उठ जाती हैं, हैं, और उनके चरण को धोती करके चरणामृत लेती हैं, पति सोने का बाद सोती हैं, उनकी चरण की सेवा करते हुए सीता इतने सेवा कर रही थी, इतने सेवा कर रही थी। लेकिन वो आश्रमों के पास में रहते थे, आश्रम में जो ब्रह्मचारी लोग थे ना, इनका तो बुद्धि खराब। बोले देखो गृहस्थ जीवन कितना आनंद है, हाँ कितना सुख, देखो सीता कितने प्रभु की सेवा कर रही हैं। बोले भैया हम भी शादी कर लेंगे, जितने ब्रह्मचारी लोग थे ना सोच रहे थे भैया हम भी शादी करेंगे, फिर सोच रहे हैं हमें शादी करेंगे तो हमको पत्नी कौन देगा। फिर उन्होंने सोचे, बोले भगवान राम ने जब अहल्या को उद्धार की, भगवान का चरण स्पर्श होते ही पत्थर से अहल्या जैसे सुंदरी स्त्री प्रकट हो गई, इसलिए हम क्या करेंगे, हम पत्थर इकट्ठे करेंगे, जिसको गोरी स्त्री चाहिए गोरे पत्थर, जिसको काली पत्नी चाहिए उसको काली पत्थर, हैं ऐसे पत्थर को ला करके प्रभु की चरण में स्पर्श कराएंगे, वो बड़ी सुंदर स्त्री बन जाएगी, फिर शादी कर लेंगे। अभी तो ब्रह्मचारी लोगों का तो दिमाग खराब, हम भी शादी करेंगे। भगवान राम ने देखा, हाय रे मेरे लीला को ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये सोच रहे हैं शायद गृहस्थ जीवन बड़ा आनंदमय जीवन, इनको पता नहीं ये गृहस्थ जीवन क्या है। इतने में जिस समय रावण ने सीता को उठा करके ले गया, प्रभु राम जान बुझ करके आश्रमों के पास में जा करके हा सीते हा सीते पुकार जान बुझ करके पुकार रहे थे और रो रहे थे। जितने ब्रह्मचारी बोले बोले हे भगवान हम तो सोच रहे थे गृहस्थ जीवन बड़ा आनंदमय, बोले हे भगवान यहाँ तो भगवान का पत्नी को सीता को ही रावण उठा कर ले गया, अगर हमने शादी करेंगे यहाँ तो राक्षस चारी तरफ में, अगर हमारी पत्नी को उठा करके ले जाएंगे तो भगवान होकर के रक्षा नहीं कर पाए, फिर हम क्या रक्षा करेंगे। बोले भैया नहीं शादी करनी, शादी नहीं करनी चाहिए, बड़ा दुखमय संसार, बड़े दुखमय ये संसार है, हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। इसलिए इधर भगवान शंकर जी सती को दूर से लेकर के प्रभु को परिक्रमा कर रहे थे, इनके लीला में कोई व्याघात नहीं होनी चाहिए। इतने में सती के मन में शंका हो गई, बोले प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो, अब जिस परात पर परम ब्रह्म श्री राम की हमें नित्य निरंतर कथा सुनाते हैं, क्या यही परम ब्रह्म को प्रणाम कर रहे हो, ना कोई साधारण जीव को। शंकर जी ने देखा, हे भगवान इसको जिंदगी भर पढ़ाते पढ़ाते मैं थक गया, अभी भी ये समझ नहीं, क्योंकि बताए इतने, बोले हाँ उसी को, बोले ऐसे मैं थोड़ी मानूंगी, मैं लिखी पढ़ी हूँ, अनपढ़ थोड़ी हूँ, मैं लिखी पढ़ी हूँ, मैं परी क्या करूँगी। इसलिए बोले देखो सारा दुनिया को आप समझा सकते हो, लेकिन पांच प को नहीं समझा सकते। पांच प में पहला नंबर पत्नी, सारा दुनिया तुम्हारी बात सुनेगा, पत्नी बात सुनती है, पत्नी बोली इसको तो इनको दिन भर तो मैं समझाती रहती हूँ, हर समय गलती गलती करते रहते हैं, मैं ही इनको समझाती रहती हूँ, पत्नी नहीं समझेगी। दूसरा नंबर अपना पुत्र, तीसरा नंबर अपना पुत्री, सारा दुनिया को समझाओ लेकिन बेटा बेटी को नहीं समझा पाओगे। चौथा नंबर है अपना परिवार, देखना बाहर सारा दुनिया में तुम्हारी इज्जत,
लेकिन परिवार में कोई इज्जत है? परिवार में हमें कोई इज्जत नहीं करते हैं। चौथा नंबर है पड़ोसी। सारा दुनिया में देखना तुम्हारी मित्रता, लेकिन पड़ोस में लड़ाई कहाँ? पड़ोस में तुम्हारी लड़ाई झगड़ा, पड़ोस में तुम्हारी। इसलिए पांच पाव का हम समझा नहीं सकते। शंकर जी कोशिश की, लेकिन सती ने नहीं समझी। बोल मैं परीक्षा करके देखूंगी। जब उन्हें परीक्षा करने के लिए गई, इनको पता चला हरि राम कोशिश कर रहे थे अभाव करने के लिए, लेकिन वो बारंबार सती सीता के रूप धारण करते हुए बारंबार आ गई। जब जान बुझ करके बारंबार आ गई, शंकर जी ने पूछे, देवी जी माता जी, शंकर तो उधर से चले गए, अब इधर कैसे आ गए हो? बोला तो समझ गए। फिर जब उनने प्रणाम करके खड़ी हुई ना, सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वत्र सीताराम 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 सर्वत्र उन्होंने देखा है। फिर जब प्रणाम करके देखा, कुछ नहीं, भगवान राम हा सीते करके व्याकुल हो रहे हैं। भगवान ने दिखाया, देखो सीता हमसे कोई अलग है नहीं, मेरे साथ में सीता है, क्योंकि शक्ति शक्ति मतलब अभी। फिर उन्होंने आए किसको पास में? शंकर जी को पास में। शंकर जी ने फिर पूछा, परीक्षा ले ली, देखो अगर गलती अगर हो जाए ना, सीधा गलती को बोल दो। नहीं देखना, एक गलती को आप छुपाने के लिए ना हजार तुमको झूठ बोलना पड़ जाएगा, हजार झूठ के ऊपर झूठ बोलना शुरू हो जाओगे। लेकिन अगर गलती स्वीकार कर दिया ना, भाई जो हो गया, मेरे से गलती हो गई, माफी मांग लो हैं। और दूसरा नंबर है बोले संशय आत्मा विनश्यति। इसलिए कभी भी गुरु जी के ऊपर में शंका नहीं करनी चाहिए। अगर गुरु जी के ऊपर शंका हो गया तो विनाश का कारण बन जाता है। उन्होंने फिर वही झूठ बोल दी। बोले प्रभु आप जो बोल रहे थोड़ी झूठा हो सकता है। इतने में शंकर जी ध्यान लगाए, इसने किस स्वरूप में उसने परीक्षा की, दिव्य दृष्टि से देखा, इन्होंने तो मेरी आराध्या देवी सीता के रूप धारण की है। फिर शंकर जी मन मन में सती को अपना पत्नी रूप में त्याग दी। जब त्याग दी, देवता लोग इनके भाव को समझ गए और आकाश से पुष्प की बौछार और भोले बाबा को जय ध्वनि दिए। बोले श्री भोले बाबा की, बोले श्री शिव ठाकुर की। सती बोली, प्रभु ये देवता लोग जय जयकार क्यों कर रहे? क्योंकि देखो शंकर जी कितने बड़े भगवान की भक्त, ये चीज को देखो। एक बार केवल पत्नी ने सीता के रूप धारण कर ली, जीवन भर के लिए शंकर जी अपना पति को त्याग दे दी। ये साधारण कोई बात नहीं, ये केवल शंकर ही ये काम को कर सकते हैं। इसलिए देवता लोग जय जयकार की। सती ने पूछा, प्रभु ये जय जयकार क्यों कर रहे? वाह शंकर तो चुप हो गए, हृदय से पत्नी रूप में त्याग दे दी। फिर उनको बाम पार्श्व में नहीं बैठाते हैं, उनको सामने आसन देते हैं, गुरु का आसन देते हैं। इसलिए सती सोच रही है, इसी शरीर से और शंकर जी हमें पत्नी रूप में ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए सती जान बुझ करके उन्होंने अपना पिताजी के यज्ञ में गए, देखा सभी का भाग, केवल शंकर जी के भाग नहीं, कोई उनकी लड़कियां जो बहन कोई बात नहीं की, केवल माँ उनको आदर दी। जब देखा शंकर जी की ही यहाँ पर कोई आसन नहीं, फिर क्रोधित होकर के बोली, जो सीव ये दो अक्षर से जीव का कल्याण हो जाता है, पिताजी को गाली देने लग गई। बोले जिनके प्रिय ना राम वैदे ही, तेजी कोटी बैरी समय यद्यपि परम सनेही। भले ही जितने स्नेह की पात्र क्यों नहीं हो, जिनके प्रिय राम और सीता नहीं, उनको त्याग दे देनी चाहिए। बोले जब तक ये शरीर रहेगा, दुनिया क्या बोलेंगे, किसका बेटी? बोले दक्ष प्रजापति का बेटी, ऐसे दुष्ट बेटी का मैं बेटी हूँ, जिसने शंकर जी को द्रोह करने वाले, ऐसे नाम निशाना मैं मिटा दूंगी। वहीं पर बैठ करके जोगाग्नि प्रकट की और शरीर से अग्नि प्रकट हुआ, वहीं पर उनने शरीर को सुहा कर दिया। जितने शंकर जी के भक्त थे सब के सब बिगड़ गए, मारपीट करना शुरू की। लेकिन भृगु ऋषि ने एक रिभु नाम का एक दैत्य को सृष्टि किया और उन लोगों ने मार मार करके शंकर जी के भक्तों को भगा दिए। और वो आकर के शंकर जी को शिकायत की, ऐसे ऐसे हो गई। शंकर जी अपना जटा से एक बाल उखाड़ करके नीचे पटक दिया, वीरभद्र नाम का विशाल शरीर प्रकट हुआ। बोले क्या आदेश है? बोले जाओ
तुम सबके सब दक्ष प्रजापति यज्ञ को तसनच कर दो। और आ करके उन्होंने ऐसे पिटाई करना शुरू किया। जब शंकर जी की अपमान हो रही थी, जो ऐसे ऐसे दाढ़ी हिला रहे थे दाढ़ी उखाड़ दिया, जो आंख दिखा रहे थे आंख निकाल दी, जो हंस रहे थे दांत तोड़ दिए, किसका हाथ तोड़े किसका पाम तोड़े। लेकिन ब्रह्मा जी को पता था ये होने वाले, इसलिए ब्रह्मा जी नहीं आए थे, हैं ब्रह्मा जी नहीं आए थे, मार मार कर भगा दिया और दक्षा प्रजापति का सर काट करके यज्ञ में सुहा कर दिया, सत्यानाश कर दिया। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, वहां पर बड़े बड़े ऋषि लोग थे, अगर कहीं वैष्णव अपराध हो रहे, किसी महत व्यक्ति का अगर कोई निंदा हो रही ना, भैया कभी उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए, बड़ा गड़बड़ी है, हैं? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि थी, कितना दुर्दशा हुई इनकी। कहते हैं भले ही तुम जितने बड़े क्यों नहीं हो, जहाँ संतों की अपमान हो अगर वहाँ भाग लोगे ना, इसका दुर्दशा उसको, इसका दुख कष्ट तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर जा करके ब्रह्मा जी को पास में प्रार्थना किए, ब्रह्मा जी पर शंकर जी को बनाए, शंकर जी बड़े दयालु, शंकर जी बड़े कृपालु हुए। फिर शंकर जी आकर के बकरी का सर लगा दिए और यज्ञ की हैं पूर्णाहुति करके सबके सब उन्होंने पूर्ण कर दिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जनार्दन जय जय श्री राधे। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमारे जनार्दन प्रभु जी आपको गजग्रह उधार की उन्होंने प्रसंग आपको सुनाएंगे। श्री जनार्दन प्रभु के माइक एक दे दो तो। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय राधा रमण हरि, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय राधा रमण हरि, राधा रानी की जय माँ रानी की जय, राधा रानी की जय राधा रानी की जय माँ रानी की जय, राधा रानी की जय गिरधारी की जय, बनवारी की जय, गिरधारी की जय, बनवारी की जय, बलपुष्ट बिहारी की जय जय जय, बलपुष्ट बिहारी की जय जय, राधा रानी की जय, रानी की जय, राधा रानी की जय, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। बस वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवे भ्यो नमो नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पंचाशन मध्य गुरुपाद पद्म आचार्य त्रिदंड स्वामी विष्णुपादष्टो प्रसाद श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी का भी चरणार बिंदु अनंत कोटि शास्त्रम प्रणिपात ज्ञापन करते हुए उनके हित की कृपा की खातर प्रार्थना करता हूँ। उपरांत समस्त रूपानों गौड़ीय परंपरा के चरण बंदन करते हुए उनसे कृष्ण कृपा शक्ति की भिक्षा करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हरि कथा कृपा से सभी स्रोत मंडली और समुचुट हुए सभी भक्त वृंद के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। गजर है, हाथी हाथी जाति से मूर्ख है। गुरुदेव ने रखे चयन इसीलिए किया गया प्रसंग। तो एक समय मायापुर स्थित चैतन्य गौड़ी मठ चैतन्य मठ में प्रभुपाद जी जिस समय अवस्थान कर रहे थे, कोई प्रभुपाद जी को प्रश्न किया, प्रभुपाद जीव इस जगत में पड़ा हुआ दुखी है, भगवान बहुत से लीलाएं भी करते हैं, भक्त भी साधन की परिपाटी दिखाते हैं, उसको सुनकर के आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, कैसे कैसे हरि भक्तों ने उस प्रभु को अपनाया है, ईश्वर भी कैसे उन भक्तों के मन आया है। तो इसको सुनकर के तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु साधन एकदम से बदल जाता है जब हम करने बैठते हैं। सामने कोई टीवी चला दी, किसी ने कोई ग्राम्य वार्ता बाह्य वार्ता बोल दी, तो वो सारी परिपाटी एकदम कैसे विस्मृत हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने गीता जी की भगवान की वो वाणी को दोहराया। भगवान कहते हैं ये जो संसार है मेरा माया संसार है, ये मेरा माया संसार है, और माया संसार मतलब जाल। और आप लोगों को पता होगा जाल को अंग्रेजी में नेट भी बोलते हैं, और आजकल हम लोग सब पीड़ित हैं इस नेट से। और कौन सा नेट है? इंटरनेट है, वेदर इंटर स्टेट इंटर कंट्री। तो ये इंटरनेट मतलब क्या है, जो कि अंदर में ऐसा हमें दबोचा रखा है जाल के अंदर, जैसे मछली कभी जब फंस जाती है उसको बाहर आने की कोई मौका नहीं मिलता, कि किसी प्रकार से जीव रूपी मछली को हम जैसे जीव रूपी बद्ध जीव रूपी मछलियों को माया के इसे जाल के अंदर भगवान ने प्रेरित किया ताकि हम लोगों को कष्ट हो। परंतु फिर भी माया का वृत्ति क्या है, आवरणात्मिका। आवरणात्मिका मतलब जो ढका हुआ है, उसका वास्तव स्वरूप पता नहीं चलता। आपको क्या पता है कि रसमलाई वास्तव में मल है? मल को हम खा सकते हैं क्या? पर वो मल रसमलाई ही है, वो रसमलाई मल बनता है ना। आप अगर मान लो आज कुछ खाओगे नहीं तो कल मल नहीं त्याग सकते, तो वो मल अगर मान लीजिए आज हमने 2 किलो रसमलाई खाया है तो वो मल हुआ ना, वो ही हुआ ना, तो वो मल है। और जो हमारे लिए रसमलाई वो मल बनता है, वो सूअर के लिए रसमलाई है या नहीं है, विचारियों के बात या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है, प्रभुपाद जी उनको समझाए अगर हमें इस जगत से उद्धार होना है, भगवान की इस आवरण से हटना है तो करना क्या पड़ेगा। जैसे मान लो प्रभुपाद जी ने वहाँ पे एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, ये सन 1928 की बात है शायद,
एक प्रभु सरस्वती जयश्री इसमें ये लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी उस व्यक्ति को कह रहे हैं, कोई सेठ थे वे, उनको कह रहे हैं कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के घर गए और गए, बहुत ऊंचा दरवाजा है, ग्रिल खोला, गेट खोले और अंदर गए, ग्रिल को मतलब कुंडी लगा दी, खुल नहीं रहा है आपको, अब अंदर गए, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया तो जैसे दरवाजा खोले मालिक बाद में आएगा, सबसे पहले उसको इतना बड़ा कुत्ता आपके सामने जो आपसे ऊंचा है, तो क्या होगा फिर? हाँ, फिर तो हमारे जो शादी के बैंड जैसे बजता था ऐसे ही अंदर से पूरा बजने लग जाएगा। तो अगर हमें उससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा बताओ? उसके नाम बोल करके, अरे मदन सेठ जी, अरे फलाना, अरे ढिकाना, उनके नाम बोलना पड़ेगा। और वो क्या करेगा, वो आएगा नहीं, अरे क्या बोलते हैं, क्या आजकल कैसे नाम होते हैं पुस्तकों की, स्वीटी, स्वीटी, स्वीटी बैठ जा, वो बैठ जाता है या नहीं? तो ठीक इसी प्रकार से वो केवल आवाज लगा, नहीं तो उसके करार दांत से कोई नहीं बच सकता, उसके करार नाखून से कोई नहीं बच सकता, परंतु उसने केवल एक काम किया, उसका नाम लिया, तब उसने क्या किया, वहीं पे खड़ा खड़ा उसने क्या किया, उसको आवाज लगा। ये तो इस जगत में एक बहुत छोटी सी उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण इसका प्रस्तुत हो सकता है। तो इससे क्या हो जाता है कि उसका जो कुत्ता जो है वो एकदम से चुप हो जाता है, अब कुछ नहीं कहता उसको, और वो साइड हो जाता है कि आराम से शांत से चल के जाता है ना। तो माया इतनी बलवती है कि माया के संसार में हम है, और देखो कभी अहंकार नहीं करना। कई लोग हमने सुना है जो लोग वास्तव में वैष्णवों की महिमा को नहीं जानते ना, वे लोग वैष्णव के सामने ना डी घालते। रूप सनातन मठ में एक बार कोई गृहस्थ भक्त आए प्रभु जी को, हमारे परमेश्वर प्रभु जी को, वहाँ में था, मेरे ये बात स्मरण है तब इसलिए मैंने बता रहा हूँ। परमेश्वर प्रभु जी ने उनको पूछा कि आप कितने माला करते हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाते, बस कुछ भी नहीं करते, 1,00,000 हरे नाम करते हैं, ठाकुर जी के 4-5 छोटे भोग लगाते, बस कुछ नहीं कर पाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप देख रहे, मैं ही 1,00,000 नहीं कर पा रहा जी, तो ये तो कह रहे कुछ भी नहीं कर पा रहे, और गृहस्थ हैं, काम काज भी करते हैं, दुकान मकान में अपना साग सौकन में रहना भी है, और ऊपर से 1,00,000 हरिनाम करते हैं, तो प्रभु जी तो समझ गए, बस अंतर से जैसे उन्होंने एक मुस्कान दिया वो तो पता ही चला था। तो निष्कपट रूप से कभी हम वैष्णव के शरण में जाते ही नहीं है ना, खुल के बोलने के लिए हम कभी जाते ही नहीं। माइक में कौन बोल सकता है कि मैं अंदर से इतना कामी हूँ, मेरे काम की इतने उदाहरण है, मैं अगर बोलूं कोई बोलता ही नहीं ना। तो ये संसार है ना, ये संसार एक तालाब के समान है, इसी संसार में बड़े मगरमच्छ रहते हैं, इसका मायक मगरमच्छ है। हाथी कितना बलवान है बताओ, कितना बलवान है, बहुत बलवान है, जंगल में एक एक शेरों को भी पछाड़ने की शक्ति है। अभी सुनेंगे उसी का एक प्रसंग है, बस दिमाग में आ गया ये बात, तो गुरु जी की कृपा, इसलिए हम क्यों वंदना करते हैं, पहले कि हमें शक्ति प्रदान करे कि हम कृष्ण कथा के बोल पाए। देखो अभी मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था, पर प्रसंग बस क्योंकि ये वंदना का फल है, जो हम मंगलाचरण करते हैं ना, कि भगवान स्वतः स्फूरित हो और हमारे जीवा से कुछ उद्भासित हो। हाथी सबको मारता है, सबको पटकने की शक्ति रखता है, पर अगर वही हाथी कब बलवान है, जब वो मट्टी के ऊपर है, वो पानी में चला जाता है तो नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि वहां पे बड़े बड़े मगरमच्छ, छोटा मगरमच्छ भी हाथी को पकड़ लेगा, पकड़ लेता है नहीं, क्योंकि हाथी को पानी के अंदर कुछ दिखता नहीं, जैसे हम लोग ऊपर में बास करने वाले जीव हैं, जो पानी में रहता है उनको हम जैसे ही यहाँ पे जैसे हमें दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही चाहे पानी की कितनी भी घनता हो, डेंसिटी हो, उसमें उनको दिखाई देगा। तो हाथी को अगर वो खींच कर ले जाता है तब हाथी को पता नहीं चलता, वो देख नहीं पाता, और इतने में मगरमच्छ उसको जहाँ पे इधर काट के चला जाता है, खून खून हो जाता है, वो इधर सूंड घुमाता है तो ऊपर से पकड़ के खा जाता है उसको, थोड़े से ऐसे करते करते मार देता है। तो अहंकार नहीं करना, हम इस संसार में है कि माया हमें कभी नहीं पकड़ सकता, जो वो अहंकार कर रहे थे ना, हम इतना हरिनाम कर लेते हैं, ये भी एक माया का एक रूप है, और माया हम के सामने हम पूरा उल्लग्न होकर के नाच ही रहे अनादिकाल से, तभी तो हमारी ऐसी बदोबस्ता हम कभी हट ही नहीं पा रहे।
क्योंकि वो भी आवरणात्मक है, उसके गुण अभी गुरुदेव कहते हैं ना, जैसे उपासना करेगा उसका फल अपने आप ही। चैतन्य चरितामृत कहते हैं अगर आप वैष्णव बनोगे कृष्ण रस सकल गुण भक्ति रस संचारे, भगवान के सारे गुण आपके अंदर आएगा, जरूर आएगा। तो यही है कि वो जैसे आवरणात्मक ढका हुआ है, उसके वास्तव रूप हम नहीं देख पाते। बहुत सुंदर भजन किसने लिखा है कि बाहर उजला भीतर काला, ये माया बड़ा है निराला। बाहर तो उजला है चकाचौंध है पर अंदर, और ये भी देखो बस 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे कोई साइंस का स्टूडेंट होगा वो बता देगा, इतने बहुत कम परिमाण में एक आवरण है हमारी ये खाल, इसको हटा दिया जाए तो क्या है, उसको देखना भी पसंद नहीं करते और भाग जाते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि इतना सब बस मतलब लेयर है, उसको हटाओ तो कोई पुरुष कोई स्त्री को देखना, कोई स्त्री कोई पुरुष को देखना नहीं चाहेगा। तो अब जैसे वो है, हम उसके संग करते करते अब हमारे अंदर भी वही चीज आ गया कि हम अंदर की चीज बाहर बताता ही नहीं, बताते ही नहीं है, समझ रहे ना। तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ थोड़े से इस संक्षेप को। आप जानते ही हैं कि हाथी जो है ये मूर्ख योनि है, मूर्ख योनि है, और हम सब वास्तव में मूर्ख हैं। मूर्ख इस संसार में कौन है, जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया वो मूर्ख है क्या, कहते नहीं। मूर्ख वो है जिसने भगवान की जो विद्या का अध्ययन नहीं किया, है ना। वो कहते ना एक किसी संत ने कहा कि पढ़ी पढ़ी नरक गयो सकल शास्त्र के भेद। ऐसा कहते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ा परंतु नाम लियो जिन सब लियो सकल शास्त्र का भेद। कहते हैं कि सकल शास्त्र का जो भेद है वो नाम है। शिव जी कितने ज्ञानी हैं परंतु केवल नाम उच्चारण करते हैं, उनको कोई भेद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता। तो यही मूल योनि जो वो गजेंद्र है, एक समय क्षीर समुद्र के ऊपर एक बहुत सुंदर त्रिकुट पर्वत था, वहां पे ये हाथी जो सारे हाथियों के सरदार था, इसने वहां पे बहुत सुंदर सुंदर अरण्य में पशु पक्षियों का सरदार बना हुआ था। इसके प्रताप से ही जितने बड़े बड़े क्रूर हिंसक पशु हैं, जब आप जानते होंगे बाघ शेर जाते तो बंदर छिप जाते हैं अपने आप से, जो सियार है भेड़ है ये सब छिप जाते हैं। क्यों, बाघ बलवान है, इसलिए शेर बाघ के सामने किसी का नहीं चलता। परंतु ये इतना बलशाली था, ये इतना बलशाली था, ये जैसे इसी के ही प्रताप से जितने हिंसक पशु को छुप जाते थे। इसके अगर जीता जाता उदाहरण दूं, जब तक मोदी नहीं आए थे, मतलब ये तो बाह्य वार्ता है, पर फिर भी हम संतों के प्रति आस्था, हम संतों की एक उनके प्रति आस्था है, जब तक वे हैं संतों के प्रति कुछ भी खराब गलत नहीं होना होगा। तो इसी कारण क्या है कि एक राजा ऐसा था उनको मिला था जो छोटे छोटे बने हुए जंतु थे, उनको बड़ा मतलब सुरक्षा का एक वो कहते ना आश्वासन, क्या आश्वासन मिला हुआ था। इसलिए एक समय उन्होंने अपने सारे छोटे छोटे हाथी और पत्नियों को लेकर के वहां की उस तलहटी पे, त्रिकुट पर्वत की तलहटी पे गए पानी पीने के लिए। और पानी पीने के लिए गए, इतने में क्या हुआ, उनका पैर जो था वो थोड़ा सा उसके अंदर धंस गया पानी के तालाब के अंदर। बस यही समय था कि एक ग्राह था गजर, वो क्या नाम है, मगरमच्छ था, मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया और ऐसा सख्त पकड़ लिया कि अब वो हाथी, क्योंकि वजनदार है वो और तालाब दलदल है, वो धीरे धीरे खींचता, जितना खींचे एक पैर को खींचे तो दूसरा पैर में दबाव लगाएगा तभी तो उठेगा, अब वो भी दलदल में है। इसीलिए संसार में इसे माया को कभी माया से काटना नहीं, माया को हमेशा मायापति से काटने की। अगर आपको कभी कोई चीज अच्छा खाने के लिए इच्छा होता है तो मायापति की प्रसाद खाओ, तभी आपको अच्छा जो इस संसार की अच्छी अच्छी चीजें खाने की रुचि हटेगी। अभी नहीं कह सकते मेरे को गोलगप्पा खाने की इच्छा होती है तो मैं गोलगप्पा खा लूं तो मेरा जो है प्यास बुझ जाएगा, कदापि नहीं। अगर ये होता अनादिकाल से अब तक ये चीज नहीं करते हुए आते, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ ना, इधर खाली पड़ा स्पेस है, थोड़े थोड़े से आगे आ जाओ और पीछे को थोड़ा सा छोड़ दो, भैया लोग यू आगे थोड़ा सा साइड में पड़ जा रहे हो, इधर उधर बहुत जगह है भैया लोग, थोड़ा और दबे उधर, उधर बहुत जगह पड़ी हुई, उधर आगे 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 आ जाओ, अभी तो डोरीलाल को भेजेंगे, बहुत जगह पड़ी हुई है सब, बस दो गज की दूरी बहुत है जरूरी, ठीक है। तो इस समय गजराज को जब उन्होंने पकड़ा तब
उनकी पत्नियों ने उनको छोड़ करके चले गए। एक साल तक इनको पूरा मेहनत करना पड़ा, परंतु देखो जब किसी के पास कोई अवसर नहीं होता, विकल्प नहीं होता, वो क्या करता है, भगवान की शरण में जाता है। इसीलिए हाथी ने देखा कि मेरे पास तो कोई भी अवसर अब नहीं बचा, इसलिए उसने क्या किया, भगवान की स्तुति करने लगा। और स्तुति कैसी करी, इस बात की याद रखना, इस पूरे भागवत 12वें स्कंद में एक ऐसा स्तुति है, गजेंद्र मोक्ष की स्तुति जो है, इसमें गजेंद्र कभी भगवान के नाम लिया ही नहीं, केवल विशेषणात्मक शब्दों को प्रयोग किया उसने। गजराज जो था ना, ब्रह्मांड के नाथ, सारे कारणों के कारण, नमन नमस्ते अखिल कारण आय, सर्व कारण आय, आदि कारण आय च ए बच, ऐसे ऐसे करके उसने स्तुति किया। कभी ये नहीं बोला कि हे जगन्नाथ, हे विष्णु, कभी ये नाम नहीं लिया, परंतु उसने हमेशा क्या किया, उनके विशेषण को, कि जो सारे ब्रह्मांड को पालन करने वाले, जो सबके अंतर्यामी है, जो सबके जीव के हृदय में रहते हैं, ऐसे ऐसे उसने विशेषण प्रयोग किया। तो इसीलिए चक्रवर्ती जी कह रहे हैं यहाँ पे, जो गजेंद्र मोक्ष है ना, ये परात्पर निर्णायक विषय है। जो व्यक्ति को पता नहीं है कि भगवान कौन है, तो वो गजेंद्र की स्तुति को जरा पढ़े, क्योंकि इसने कभी भी नाम नहीं लिया भगवान कौन है, केवल यही करके पुकारता रहा, यही करके। जैसे मान लो यहाँ पे सारे प्रजा बैठे हुए हैं, एक राजा बैठा हुआ, मैं अगर राजा को बुलाऊं तो राजा ही तो आएगा, तो इसने केवल ब्रह्मांड के नाथ, ब्रह्मांड के अधिपति ऐसे बोलता रहा, सारे भक्तों के अंतर्यामी ऐसे बोलने पर सारे देवादेवी भी तो सुन रहे थे, सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा, परंतु वे सब लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि एक तो वो कह रहा था जो ब्रह्मांड के नाथ है, सबके पालक है, उन्होंने देखा हम तो है नहीं भाई, क्यों जाए, ब्रह्मा जी ने देखा हम तो है नहीं तो क्यों जाए। और दूसरा भी यहाँ पे वो कहते हैं कि इदम गजेंद्र मुखवर्णितम विशेषतः ब्रह्मोदय विविध लिंगादि विधाभिमाना, कि अभिमान से वो नहीं जा रहे थे। क्या अभिमान था उनको, कि अच्छा ये तो हमें नहीं बुला रहे तो हम क्यों जाएं। बस यही उनकी 28 श्लोकों की स्तुति खत्म होते ही इतने में भगवान जान गए कि ये तो मेरे को बुलाया, क्योंकि ब्रह्मांड के अधिपति तो मैं हूँ। अब भगवान ने इतने सारे सुख ऐश्वर्य को छोड़ करके, भगवान की जो शाम बहती है, स्तुति चल रही थी, सबको छोड़ करके जलतुबत गजराज पुकारो आए आधे नाम, नामी को चिंता रहती है नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का। तो उन्होंने सोच लिया कि अब इसने मेरे को बुलाया, मेरे नाम को बुलाया, अब मेरे नाम से ही उसने आधे नाम में बुलाया। तब उन्होंने क्या किया, अपना खड़ाऊं छोड़ करके भगवान गरुड़ के पीठ के ऊपर सवार होकर के, उनके घुंघराले बाल जो नील आकाश में उड़ रहे थे, और घनश्याम से जो अति सौंदर्य में दीप्यमान चेहरा से, वो जब गज के पास आए और गज को उसके सूंड को पकड़ करके उसको तालाब से निकाला, और निकालते ही उसके पैर को कौन पकड़ा हुआ था, मगरमच्छ पकड़ा हुआ था। तो मगरमच्छ उसी से ही वो आगे चला गया, और चला गया तो भगवान चक्र से उसको काट दिए, और गजराज की दिया हुआ कमल पुष्प को अपने धारण करके जब वैकुंठ पहुंचे, इतने में भगवान लक्ष्मी जी वहां पे खड़ी थी, तो उन्होंने बोला कि प्रभु आप क्या क्या लेने के लिए गए थे, इसमें बहुत कुछ बातें हैं, किसको उधार करने के लिए गए थे। बोले मैं तो गज को उधार करने के लिए गया था। बोले इससे पहले एक व्यक्ति वैकुंठ में आके पहुंच चुका है, आपने उद्धार किया है परंतु आपको पता नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि कौन है वो। बोले देखो प्रभु, जो आपको पकड़ता है, वहां पे एक स्तुति, उन्होंने एक श्लोक बोला, सिद्धिर भवति वा नेति संशयच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्या रतात्मनाम, कि जो भगवान अच्युत को सेवा करते हैं, हो सकता है, ये नहीं कह सकते नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है कि उसको सिद्धि मिले। जो डायरेक्ट भगवान के पास मंदिर आते हैं, अरे ये संत लोग क्या कहें, अरे ये ब्राह्मण लोग क्या करें, हमारे डायरेक्ट भगवान से वो संबंध है, कहते सिद्धि भवति वा नेति, इसमें संशय है कि उसका सिद्धि होगा नहीं। निसंशयस्तु तद्भक्त, जो उसके भक्त के चरण पकड़ते हैं, उसका उद्धार पहले होता है, बाद में भक्त को आता है। इसका पूर्ण उदाहरण जो भगवान ने इस लीला के माध्यम से, अब पता ही नहीं चला भगवान ऐसे बहाना बना रहे कि मेरे को पता ही नहीं है कौन उद्धार हो गया है, क्योंकि उनके शुद्ध भक्त गज के चरण को किसने पकड़ा था, मगरमच्छ ने ना, तो मगरमच्छ का पहले उद्धार हुआ। इसको भागवत सत्सत्व कहते हैं, इसमें बहुत गुण रहस्य है, इसमें कभी आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। गौर प्रमानंदे वृंदावन बिहारी लाल की। देखो ये जो हाथी है,
ये पूर्व जन्म में ये इंद्र तुम्न राजा थे। एक दिन इनके आश्रम में अगस्त ऋषि आए, उसी समय में इंद्रद्युम्न राजा ये सालक राम की पूजा कर रहे थे। जब पूजा कर रहे थे, इतने अगस्त ऋषि आए, भला आए तो अपने आप बैठ ही जाएंगे, क्योंकि भगवान से थोड़ी ये बड़े हैं। अभी तो हम ठाकुर जी की मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन शास्त्र में ये बताए, प्रथम अंतु गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम कुर्बन सिद्धि मापनोति जन्यता निष्फल भवति। मतलब है कितना गुरु गोविंद दो खड़े काग लाग पाऊं बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद देव। इसलिए नियम है, अगर हम ठाकुर को सेवा पूजा कर रहे हैं, कोई बड़े वैष्णव आ गए नहीं तो गुरु जी आ गए, क्या करो, उसी समय में ही पूजा को बंद करो। बंद करके क्या करो, पहले गुरु जी की नहीं तो बड़े वैष्णव को आदर करो, क्योंकि भगवान है कहां पर बताओ, भगवान तो संतों के हृदय में तो ठाकुर जी है। इसलिए जब हम संतों को बड़े गुरु जी को जब आदर करते हैं, ठाकुर जी का पूजा अपने आप ठाकुर जी की पूजा हो जाता है। इसलिए अगस्त ऋषि ने देखा ये तो पूजा ही करते जा रहे हैं, संतों को कोई आदर नहीं, बल हाँ तुम भजन तो कर रहे हो, लगता है कोई शुद्ध वैष्णव परंपरा में तुमने भजन पद्धति नहीं सिखाई, हाथी जैसे तेरा व्यवहार, संतो आने पर भी आदर नहीं, तुम हाथी जोनियो को प्राप्त करो। कभी जो मगरमच्छी ये कौन था, पहले ये पूर्व जन्म में पहले ये था हुहु गंधर्व, ये था स्वर्ग का जोकर, ये देवताओं को हंसाया करता था। एक समय एक देवल मुनि पानी में तर्पण कर रहे थे, और वो था जोकर स्वर्ग का, बोले आ जाओ आज तुमको जोकिंग दिखाएंगे, हंसाएंगे। उसने क्या किया, पानी को अंदर में जैसे मगरमच्छ जाता है ऐसे गए, और देवल ऋषि का चरण पकड़कर खींच लिया। जब खींच लिया, वो तो ठाकुर जी को तर्पण पानी दे रहे थे, जब खींच लिया ना वो तो डर गए। जब डर गए, ऊपर में जितने स्वर्ग में देवता लोग हा हा हंसने लग गए, और वो उसने क्या किया, पानी को अंदर में जाकर के फिर खड़े होकर के वो भी हंसना शुरू कर दिया। ऋषि को बड़ा क्रोध आए, बोले और कोई मिला नहीं, संत ही मिले जिनको साथ में हंसी दिलाई करने के लिए, तेरे व्यवहार मगरमच्छ जैसे, तो अगली जीवन में मगरमच्छ बन गए तू। दोनों अभिशाप प्राप्त हो गए, बोले उधार कैसे होगा, संत बड़े दयालु होते हैं। बोले ठीक है, जिस समय तुम संतों का चरण पकड़ोगे ना तब तुम्हारा उद्धार होगा, क्योंकि ये जो अगस्त ऋषि अभिशाप दिया था, राजा को अभिशाप दिया था, बोले जब इनकी चरण पकड़ोगे संतों की तभी जा करके तुम्हारी उद्धार होगी। इसलिए इसमें सीखा है, एक तो संतों को साथ में हंसी दिल की मत किया करो, क्योंकि अगर संत अगर हंसी दिल की करो अगर अभिशाप देंगे तो भैया फिर मगरमच्छ बनना पड़ेगा। अगर दूसरा सीखा है, अगर संत आए बड़े संत कोई गुरु जी आए तो अगर हम भजन भी कर रहे हैं वो भजन को वहीं पर रखो, सबसे पहले क्या करो संतों को आदर करो, नहीं तो भक्ति जगत में हम बढ़ नहीं सकते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए भागवत में प्रसंग आता है, एक समय में श्री चित्रकेतु महाराज विमान में बैठ करके आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते हठात उन्होंने पहुंचे कैलाश में। जब कैलाश में पहुंचे उसी समय शंकर जी माता पार्वती को गोद में बैठा रखे, और वहां पर बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे, उनको ज्ञान की बात बता रहे थे। इतने में चित्रकेतु महाराज, ये परम वैष्णव है, कहते इनका गुरु कौन, बोले शंकर सन। भले शंकर जी का गुरु कौन, वो भी शंकर सन है। ये आपस आपस में गुरु भाई लगते हैं। आप देखना जब कोई गुरु भाई लगते हैं कभी कभी आपस आपस में थोड़ी हंसी दिल की कर ही लेते हैं, लेकिन चित्रकेतु महाराज परम वैष्णव, शंकर भी परम वैष्णव, वो शंकर जी की महिमा को जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी साधारण लोग शंकर जी के ऊपर अंगुल नहीं उठाए, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी हंसी दिल की कर दी। बोले भैया पत्नी को तो गोद में कब लेकर बैठाते हैं, बोले एकांत में बैठते हैं, और यहाँ ऋषि मुनियों को ज्ञान की बात बता रहे हो और पत्नी को भरी सभा में गोद में बैठा करके, ये ठीक नहीं। इतना सुनते ही माता जी तो गोद में बैठी हुई थी, माता जी को तो सहन नहीं हुआ, शंकर जी की अपमान, और यहाँ पर ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे, माता जी ने फिर अभिशाप दे दी,
बोले जा तू राक्षस जन्म में तू चला जा। जब उन्होंने अभिशाप दिया, चित्रकेत महाराज तो परम वैष्णव है लेकिन माता जी की आशीर्वाद को उन्होंने नतमस्त करके ग्रहण कर लिया, क्योंकि माता जी जो देगा अच्छी चीज देगा। बोले माता जी आप जो अभिशाप दिया मैं इसको ग्रहण कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को इतना आशीर्वाद करो भले ही मैं किसी जीवन में क्यों नहीं जाए लेकिन ठाकुर को जैसे भूले नहीं, जैसे भगवान की मैं भक्ति करते रहूं यही आशीर्वाद दो। जब ये बात को बोले इतने में शंकर जी बोले देखा तुमने ये चित्रकेतु महाराज इतने बड़े संत हैं, अगर तुम्हें उल्टा अभिशाप देते ना मैं तुम पर रक्षा नहीं कर पाता, लेकिन चूंकि वो मेरे गुरु भाई है वो महान है ना, तुमने अभिशाप दिया लेकिन उन्होंने नतमस्तक करते हुए अभिशाप को ग्रहण कर लिया। वो कुछ बोले बोले तू ऊपर से जितने सुंदरी है ना, पार्वती तो सुंदरी है, बोले ऊपर से तू जितने सुंदरी है ना अंदर से तू इतने सुंदरी नहीं है। अरे मैं अभी मेरे को उन्होंने हंसी दिल के किया ना, मैं भी बोलने वाला था, मैं तो एक स्त्री को गोद में बैठा करके मैं ऋषियों को अभिशाप दे रहा हूँ, वो तो विमान में कितने सारे स्त्रियों को लेकर घूम रहे थे, अभी मैं उत्तर देने वाला था मैं तो एक स्त्री को लेकर बैठा, तू तो इतना स्त्रियों को लेकर घूम रहे हो लेकिन तू बीच में तेरे को टपकने का क्या जरूरत था है? अभी मैं उत्तर देता है ना। हाँ देखो ये चीज को समझो, अभी यहाँ प्रश्न होता है माता जी, यहाँ प्रश्न होता है शंकर जी इतने बड़े वैष्णव है फिर ये भरी सभा में फिर माता पार्वती को गोद में क्यों बैठा रखे थे, इसकी रहस्य को समझो। कहते अगर कोई व्यक्ति कहीं भी हो एक बार अगर कृष्ण का नाम अगर राम का नाम लेता है ना, शंकर जी परम वैष्णव है, वो क्या करते हैं वहीं से उनको प्रणाम करते हैं। भगवान राम का नाम कृष्ण का नाम ले रहे हैं ये परम वैष्णव है, शंकर जी प्रणाम करते हैं। लेकिन पार्वती क्या करती है हर समय प्रभु का नाम जप करती है, हैं बोले हर समय बोले राम रामेति रमेति रम रमे मन रमे सहस्रा नाम अभिस्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। जब माता पार्वती शंकर जी से पूछे प्रभु किसके नाम लेनी चाहिए, शंकर स्वयं कहते हैं बोले पार्वती 1000 विष्णु का नाम लेने पर जो फल मिलेगा एक बार श्री राम नाम लेने से वही फल मिलेगा। तभी से माता पार्वती क्या करती हैं बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हर समय भगवान राम का नाम लेती हैं भगवान शंकर जी क्या करते हैं उसको गोद में बैठा कर रखते हैं, क्योंकि एक बार प्रभु का नाम लेने पर प्रणाम करते हैं। और जो हर समय प्रभु का नाम ले इसलिए पार्वती को हर समय इसलिए शंकर जी अपना गोद में बैठा कर रखते हैं। लेकिन अभी तो उनको राक्षस जन्म में जाना पड़ा, वित्रासुर जीवन में उनको जाना पड़ा, और जिस समय इंद्र को साथ में उनकी युद्ध हो रहा था क्या उन्होंने श्लोक उच्चारण किया है, अद्भुत श्लोक है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भैया भागवत कहते हैं किसको, बोले भागवत उससे कहते हैं जिसमें श्री वित्रासुर का जिसमें स्तुति है। आज हम कोशिश करेंगे उनका 3-4 श्लोकों को सुनने के लिए। बोले अहम हरे तव पादई कमोलम, यहाँ पर प्रार्थना करते हैं बोले हे प्रभु अहम हरे तव पादय कमूलम दासानुदास भवितास में गो, प्रभु मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं आपका दास बनना नहीं चाहता हूँ, आपका दासों का दासों का दासों का मैं दास बनना चाहता हूँ। बोले क्यों ये भगवान का दास क्यों नहीं बनना चाहते हैं, ठाकुर का दासों की दासों का दास क्यों बनना चाहते हैं, ये चीज को समझो। जैसे
जब भगवान कृष्ण प्रसाद पाते हैं, वो प्रसाद श्रीमती राधा रानी को मिलता है। जब कृष्ण प्रसाद पाए, केवल उसमें कृष्ण का प्रसाद है, लेकिन जब राधा रानी प्रसाद पाई ना, उसमें किसका प्रसाद हो गया? ये दोनों का प्रसाद हो गया। उसको बाद में फिर ललिता विशाखा को प्रसाद मिलता है, फिर इनको किसका प्रसाद मिला? ये दोनों को प्रसाद मिला है। लेकिन उसको बाद में रूपमंजरी आदि प्रसाद पाते हैं, फिर किसको प्रसाद मिला? ये तीनों को प्रसाद मिला। उसको बाद में श्री प्रभुपाद को मिला, किसको प्रसाद मिला? ये चारों को प्रसाद मिला। उसको बाद में हमारे गुरु जी को प्रसाद मिला, किसका प्रसाद मिला? पांचों का प्रसाद मिला। लेकिन लास्ट में जिसको प्रसाद मिले ना, ये सभी का प्रसाद किसको मिला? ये लास्ट वाले व्यक्ति को, ये सारे प्रसाद लास्ट वाले को मिला है। आप देखना, घर में बड़े व्यक्ति को आदर इतना नहीं है, छोटे व्यक्ति को। घर में सबसे छोटा होना सबसे ज्यादा प्यारा होता है, सब उसको गोद में बुलाते हैं। अगर कहीं मेला देखने के लिए जाए, किसको याद आता है? अरे घर में जाने पर छोटू के लिए क्या ले जाएंगे? उसके लिए कुछ ना कुछ ले जाएंगे। इसलिए घर में देखना, बड़ों के लिए कोई आदर नहीं, सबसे ज्यादा किसका आदर करते हैं? घर में जो छोटा होता है। इसलिए भक्ति जगत में बड़े बनने पर ज्यादा लाभ नहीं, छोटे बनने पर ज्यादा लाभ। इसलिए कहते प्रभु, मैं आपका दास बनना नहीं चाहता हूँ, आपका दासों का दासों का दास। दूसरा उदाहरण देते हैं, अगर भगवान राम को पूछे आप कौन हो, बोले परमात्मा परमेश्वर है। अगर माता जानकी को पूछा जाए तुम कौन हो, वो सीधा प्रभु राम के चरण को दर्शन करते हुए बोले प्रभु राम का मैं सेविका हूँ। अगर लक्ष्मण को पूछा जाए तुम कौन हो, बोले इनका मैं सेवक हूँ। भरत को पूछा जाए बोले इनका। अगर हनुमान को पूछा जाए तुम कौन हो, बोले पूरा राम दरबार का मैं। हनुमान जी कहाँ बैठे हुए होते हैं? इनके चरण में बैठे हुए होते हैं। इसलिए हनुमान जी क्या परिचय देंगे? पूरा सबका मैं सेवक में हूँ। इसलिए कहते प्रभु, अहम हरे तब पादय कमूलम दासानुदास भवितास्मि भुवो, मैं आपकी दासों का दास बनना चाहता हूँ। बोले भैया, दासों का दास बनकर करना क्या चाहते हो? बोले प्रभु, ये वाणी द्वारा जैसे तुम्हारी गुणगान करूँ, इन्हीं हाथों से जैसे तुम्हारी सेवा करूँ, इन्हीं कानों से जैसे तुम्हारी कथा सुनूं, और जिह्वा से तुम्हारे में कीर्तन करूँ, सारे इंद्रियों के द्वारा मैं प्रभु तुम्हारी में सेवा करना चाहता हूँ, मेरे को यही आशीर्वाद दो। भगवान ने कहा, फिर तू चाहते है क्या? बोले न नाक प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम। भगवान कहते हैं भैया स्वर्ग ले लो। बोले नहीं प्रभु, स्वर्ग नहीं चाहिए। बोले स्वर्ग नहीं चाहिए? बोले नहीं। बोले उसके सात लोगों ऊपर में ब्रह्मलोक, ब्रह्मा बन जा परमेष्टी। बोले प्रभु, हमें परमेष्टी की पद नहीं चाहिए। बोले नहीं चाहिए तो संपूर्ण पृथ्वी का राजा बन जाओ। बोले नहीं नहीं। बोले इससे भी ज्यादा ऐश्वर्य पास पाताल लोक में, बोले वहां का भी राजा बन जाओ। बोले प्रभु नहीं। बोले फिर क्या चाहते हो? बोले प्रभु विरह कांक्षयम, हर समय तुम्हारी विरह में जैसे तुम्हारी गुणानुवाद करते रहूं, हर समय तुम्हारी विरह में डूबा रहूं, मेरे को आपका विरह दो। बोले विरह कैसे चाहते हो? बोले तीन तरह का विरह होता है। कितने तरह का? तब उन्होंने तीन तरह का उदाहरण दिया। बोले अजात पक्ष इव मातरम खगा। पर पहला उदाहरण दिया, आप लोग देखे होंगे जब कोई चिड़िया घोंसला में बच्चा देता है, दे करके माँ दाना चुनने के लिए चले जाता है, और घोंसला में जो छोटा बच्चा रहता है ना चिड़िया की, वो हर समय देखता रहता है भैया कहीं दूसरा चिड़िया आकर खा नहीं जाए, बिल्ली आकर खा नहीं जाए, इसलिए हर समय डरा हुआ रहता है। अगर थोड़ी सी पत्ता खड़खड़ आवाज हो जाए ना, चो 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 कर देखने लगे, मैया तो नहीं आ गई है, मैया तो नहीं आ गई। हर समय अपना माँ की चिंतन करती रहती है। हे प्रभु, जैसे वो छोटा बच्चा अभी उसका पंख भी नहीं उगा, उड़ भी नहीं पाता है, वो जैसे हर समय अपना माँ की याद करती हैं, हर समय मैं तुम्हारा भी इसे याद करते रहूं। फिर देखा इसमें भी स्वार्थ है, इसमें भी स्वार्थ। बोले क्या स्वार्थ है इसमें? अब देखना, माँ जब आकर के बच्चे को दाना खिला देती है ना, फिर वो बच्चा चुपचाप सो जाता है माँ की गोद में, फिर माँ को याद नहीं करता है। इसका मतलब है, क्या तब तक भगवान को स्मरण करोगे जब तक ठाकुर जी तुम्हें कुछ नहीं दे देते हैं? और ठाकुर दे दिया तो फिर भगवान को भूल जाओ? बोले ये स्वार्थ है। फिर उन्होंने दूसरा तरह का उन्होंने प्रार्थना किया। बोले वो क्या है? बोले वत्सरा। आप लोगों ने गैया पालने की हो, नीचे तो गैया है, अब देखना चुप चुप बैठो। इसलिए उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया गैया की।
पहले क्या होता था, घर में बछड़े रहते थे, गैया चली जाती थी घास खाने के लिए, दिन भर घास खा करके शाम को फिर गैया आती थी अपना घर में। अब देखना उसी समय में जो बछड़ा होता है हर समय हम्बा 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 वो चिल्लाते रहता है, बोले माँ कब आएगी मेरे को दूध पिलाएगी, माँ कब आएगी मेरे को दूध पिलाएगी, दिन भर हम्बा 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 बोलता रहता था। लेकिन जब देखता है माँ आ गई ना, आप लोगों ने कभी देखना बछड़े को खोलते समय जब माँ की दूध पीने के लिए बछिया की अब रस्सी तो भी नहीं खोल सकते हो, क्योंकि इतना तेजी है, इतने तेजी से मैया के पास में भागता है दूध पीने के लिए, उसका रस्सी भी नहीं खोल सकते हो है। और जब बछड़ा जाता है गैया ऐसे दूध नहीं देता है, जब थान को ऐसे मारता है फिर गैया उसको बछड़े को चाटने लग जाती, जब हृदय में बात्सल्य भाव उमड़ता तभी जाकर के ये गैया तभी जाकर के दूध देती, उसको पहले दूध गैया नहीं देती है। बोले प्रभु जैसे बछड़ा माँ के लिए दिन भर हम्बा हम्बा माँ 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 करता रहता है, बोले प्रभु हमें ऐसे बिरह चाहिए। फिर उन्होंने देखा इसमें भी स्वार्थ है, देखना अगर बछड़े को माँ दूध पिला दिया ना फिर बछड़ा क्या करता, फिर फुदकता रहता है, फिर घूमता रहेगा, फिर माँ के पास में नहीं फिर तो खेलता रहेगा। इसका मतलब है भगवान जब तक तेरे को दूध नहीं पिला दे तब तक क्या प्रभु को बुलाओगे, फिर उसको बाद में फिर भूल जाओगे। बोले भैया इसमें भी स्वार्थ है। फिर उनने तीसरा उदाहरण दिया, ध्यान देकर देखो बहुत अच्छी बात बताया, बोले प्रियाम प्रियै व विसताम विसरना। उदाहरण दिया जैसे दो पति पत्नी बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे, पहले तो स्त्रियां इतना लिखी पढ़ी नहीं होती थी, स्कूल कॉलेज नहीं जाती थी है, अपना घर गृहस्थ संभालती थी। अभी पति को कोई विशेष काम के लिए 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, वो पत्नी को कहती है मेरे को 10 दिन के लिए बाहर जाना, पत्नी कहती है आप बाहर जाओगे तो मैं अकेला क्या करूंगी, ये श्रृंगार मैं क्यों करती हूँ तेरे लिए ना, रसोई क्यों बनाती हूँ तेरे लिए, ये बिस्तरा क्यों सजाती हूँ तेरे लिए, घर क्यों साफ करती हूँ तेरे लिए, मैं जो कुछ करती हूँ तेरे लिए, तुम तो मेरे परमात्मा हो, अगर तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी। बोले मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, विशेष काम है। तो पत्नी कहती है आप कब आओगे मेरे को पता कैसे चलेगा, बोले देखो मैं ये दीवार में 10 मैंने रेखा काट देता है, लाइन लगा देता हूँ, जब एक दिन बीतेगी एक रेखा को तो मिटा देना, दूसरे दिन बीतेगी तो दूसरे रेखा को बिता देना, जब एक लाइन रह जाएगी पता चलेगा दूसरे दिन में आने वाला। अभी पति चले गए बाहर में, इतने में पत्नी का जो श्रृंगार थी ना वो सारे श्रृंगार को उतार करके उसने रखी थी। बोले क्यों श्रृंगार माताएं क्यों करती हैं, पति के लिए तो श्रृंगार करती है ना, इसलिए तो जो बढ़िया बढ़िया खाना बनाती थी अभी वो खाना बढ़िया बढ़िया नहीं बनाती हैं। बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री दाऊ भैया की जय, सुभद्रा सुदर्शन देवी की जय। हाँ इधर सुनो, अभी उसने रसोई ठीक से नहीं बनाती, किसी तरह से भोजन कर देती, बिस्तरा नहीं सजाती, घर साफ नहीं करती, बोले किसके लिए करूं, जिसके लिए तो करना हो तो है ही नहीं, वो तो गया बाहर। और एक दिन बीतने पर एक लाइन को मिटा देती है, दूसरे लाइन बीतने पर दूसरे लाइन को मिटा देती है, तीसरे लाइन मिटने पर तीसरे लाइन को मिटा देती है। अभी जितने कम लाइन रह जाता है ना, और 3 दिन रह गया, अभी 2 दिन रह गया, और 1 दिन रह गया, जब एक लाइन रह जाती है रात भर सोती नहीं, क्योंकि उसको पता है पति को किस चीज की प्यारा पति है, हैं? और रात भर पति के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाती, रात भर सोती नहीं, और सवेरे होते ही सारा खाना बना करके और गर्म पानी करके रख देती है, और जा करके बाहर बैठ जाती है, पति की राह देखती है, पति कब आएंगे पति कब आएंगे। और जब देखा पति आए इतने खुश हो जाती, इतने खुश हो जाती हैं, पति की चरण धोकर के चरणामृत लेती हैं, फिर पति को स्नान कराती हैं, फिर आसन देकर बैठती हैं, बैठ करके और एक एक करके जैसे सब्जी दाल और रोटी परोसती हैं, और हाथ में पहले तो फैन नहीं होता था, उनको पंखा झुलाती, पति को एक तरफ में पंखा झुलाती हैं, दूसरे हाथ तरफ में पति को खाना खिलाती। बोले प्रभु मेरे को ऐसे ही प्रेम चाहिए, दिन भर जैसे के पति व्रता नारी पति के लिए ही सर्वस्व जैसे दे देती हैं, उनकी सेवा के लिए सब कुछ जैसे करती हैं, हे प्रभु जैसे मैं दिन रात तेरे ही चिंतन करता रहूं, तेरा ही सेवा करूं, तेरा ही भक्ति करूं। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज कमी रह गई, ये चीज को समझो, एक चीज क्या कमी रह गई,
जो पत्नी है पति के ऊपर संपूर्ण डिपेंड रहती है। पति सब कुछ खिलाने वाले कौन, कपड़ा देने वाले कौन, पति सब कुछ पति देती है। मतलब पति सब कुछ पत्नी के लिए करती है। यहाँ पर भी पत्नी के अंदर में थोड़ी स्वार्थ रहती है, क्यों, चूंकि पति ही तो सब कुछ देती है ना उसको पर। लेकिन उन्होंने उदाहरण जो दिया ना ये गोपियों के लिए, क्योंकि कृष्ण को साथ में उनको डायरेक्ट शादी नहीं हुई, इसलिए कभी कभी गोपियां कृष्ण को कहते तुम थोड़ी हमें खिलाते हो, थोड़ी तुम हमें कपड़ा देते हो, हम अपना हाथ से खाती हैं, अपना हाथ से पहनती हैं और तुमको हम प्रेम करती हैं, निस्वार्थ रूप में तुमको हम प्रेम करती हूँ। इसलिए यहाँ श्री वृत्रासुर कहते बोले हे प्रभु ये गोपियां जैसे सर्वस्व दे करके वो कृष्ण सेवा करती हैं, जैसे हम भी दिन भर जैसे तुम्हारी चिंता तुम्हारी सेवा में मैं जैसे डूब जाऊं। जो अंतिम जो श्लोक कहते हैं बोले मम उत्तम श्लोके जनेषु सख्यम, देखो ये जो लास्ट श्लोक है ये सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान देकर सुनो, कहते हमारी प्रीति किसको साथ में होनी चाहिए, अपना प्रीति प्रेम किसको साथ में तुम मित्रता करो, बोले सबको साथ में मित्रता मत करो, मना कर देते हैं, हैं? अगर जब गंजड़ी भंगड़ी उसको साथ में मित्रता करोगे तुम्हें गंजड़ी भंगड़ी बनोगे, चोर को साथ में रहोगे तो चोर बनोगे, जुआरी को साथ में रहोगे तो जुआ खेलोगे, शराबी को साथ में रहोगे तो क्या करोगे, शराब पियोगे। इसलिए कहते हैं हे प्रभु भले ही तुम जहां पर रखना रख ले, लेकिन इमाम उत्तम श्लोक जनेषु सख्य, जैसे तुम्हारी भक्तों को साथ में हमारी मित्रता हो, अगर भक्तों को साथ में मित्रता करोगे तो क्या बन जाओगे, भक्त बन जाओगे। जैसे आप लोग अभी गले में कंठी माला तिलक क्यों कर रहे हो, चूंकि कारण किया भक्तों का संग मिला है, भक्तों का संग मिला है तभी भक्ति कर रहे हो। इसलिए अंतिम समय में कहते हैं प्रभु मेरे को भले ही किसी जीवन में जोनी में क्यों नहीं जाए, लेकिन हर समय तेरे भक्तों का जैसे संग मिलते रहे। इसलिए कल ध्रुव महाराज कह रहे थे ना भक्ति मुहुर प्रभुताम तोई में प्रसंग, प्रभु मेरे को एक ही बार दो तुम्हारी भक्तों का संग दो, बोले क्यों, बोले उनकी मुखार बिंद से तुम्हारी कथा रूपी मंदाकिनी की जो नदी बहती है अगर उसको अंदर में हर समय गोता लगाता रहूंगा तो ये मन अपने आप तुम्हारी चरण में डूबा हुआ ये मन रहेगा और भक्ति अपने आप हो जाएगी। इसलिए इतने सुंदर सुंदर श्री चित्रकेतु महाराज श्री वित्रासुर ने भगवान की उन्होंने स्तुति की है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री बलराम। प्रभु जी इधर आ जाओ, प्रभु जी एक बढ़िया कोई भजन गाओ, बामन देव को कोई बना कर लाए हैं, कोई बामन देव लाए जय जय श्री राधे, सभी भक्तों से निवेदन दोनों हाथ उठो जाएंगे, प्रसुहानु नंदिनी श्री लाल बीजू की जय, जय सभी चहेते बैठे हुए हैं। मैं बोलूंगा राधे बरसाने वाली है।
आप ये भोरी है मतवारे। राधे परसाने वारी है भोरी है मतवारी है। Yeah.
सर्वप्रथम तो मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूं कि अभी अभी गुरुदेव ने बताया कि जिस तरह पिता को अपने बच्चे की फिक्र होती है और अगर वो मेले में जाता है तो वो सोचता है कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊं, तो इसी तरह से
जब गुरुदेव जगन्नाथपुरी थे तब तो उन्होंने हमारी इतनी चिंता की कि वहां से उन्होंने फोन किया कि मैं अक्टूबर मास में बड़ौदा आऊंगा और आपके यहीं पर ही रहूंगा। ये है एक सतगुरु की चिंता, क्योंकि कोरोना काल में सभी के सभी की जो भक्ति थी वो सो गई थी और इस बात को गुरुदेव अच्छे से जानते हैं, इसीलिए उस भक्ति को जगाने के लिए उन्होंने अपने आप ही फोन करके प्रेम प्रभुज को कहा कि अक्टूबर में मैं करूँगा और वहीं मंदिर में रहकर ही हम कथा करेंगे। तो ये ऐसी ये चिंता कौन कर सकता है जिसे अपने भक्तों की अपने शिष्यों की चिंता हो। और ऐसे सद्गुरु जरूर हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कार्य किया होगा जो हमें भक्ति विदान सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी जैसे गुरु के चरणों का आश्रय मिला। अभी ये बात केवल और केवल गौड़ीय संप्रदाय में ही बताई जाती है कि नाम और नामी कोई भेद नहीं होता। ये बात हमारे गौड़ीय संप्रदाय बहुत अच्छी है। हरे कृष्णा, ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय में ही बताया जाता है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। ऐसे एक बात की बात है कि इस्कॉन के जो प्रतिष्ठाता हैं स्वामी महाराज जी, एक बार वो कथा कर रहे थे तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि तुम खड़े होकर कथा करो। तो उन्होंने कथा करते करते बीच में बोल दिया कि भगवान के नाम में ही भगवान का वास है। तो बीच में ही स्वामी महाराज बोले, अच्छा ये बताओ भगवान के नाम में कौन से हिस्से में भगवान का वास है। तो फिर उन्होंने उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया, मान लो जैसे भगवान का नाम हरि है तो हरि में है में भगवान का वास है कि रे में भगवान का वास है। तो उस शिष्य से कोई उत्तर ना बन पाना, तब स्वामी महाराज कहते हैं भगवान के नाम में भगवान का वास नहीं है बल्कि नाम ही भगवान है। तो इसलिए नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। एक अभी मैं एक जो कथा सुनाना चाह रहा हूँ वो एक ग्रंथ हमारे पूज्य पाद जनार्दन प्रभु जी लिख रहे हैं, उसी ग्रंथ में से ये एक नाम और नामी के भेद की कथा उन्होंने उसमें लिखी है, उसी कथा को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कि एक बार एक राज्य में, ये कथा जो है सतयुग के समय की है, सॉरी त्रेता युग के समय की है, एक बार एक राज्य में एक तेली रहता था और वह तेली इतना व्यस्त रहता था कि उसे सुबह से शाम तक जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी। सुबह को 8 बजे अपनी दुकान पे जाता था और तेल निकालता था और बेचने में लगा रहता था। इतना व्यस्त था कि दुकान खोलने से पहले ही ग्राहकों की दुकान पे लाइन लगी रहती थी। एक दिन उसकी दुकान के सामने से संत गुजरे और जब उन्होंने उसकी दिनचर्या को देखा तो उन्हें एक चिंता हुई कि ये तो सारा का सारा जीवन ऐसे ही बिता देगा, इसने तो भगवान का नाम लेने का इसके पास तो समय ही नहीं है। तो वे उसके सामने ही बैठ गए दुकान के, अब जब इसको समय होगा तब इसके भगवान के नाम का कुछ उपदेश दूंगा। तो दोपहर के समय, गर्मी के समय था, दोपहर के समय जब थोड़ा सा उसे रेस्ट मिला तो वो उसके पास गए और बोले कि भाई तो सुबह से शाम तक केवल एक ही काम करता है, कभी भगवान का भी नाम लिया कर। तो वो बोला, महाराज भगवान का नाम लेऊं कब, समय तो मुझे मिलता ही नहीं। तो कहने लगे, अच्छा तो फिर तुम एक काम करो, वो जब रात को सोते हो उस समय भगवान का नाम ले लिया करो। तो वो बोला, महाराज सुबह से लेके शाम तक इतना थक जाता हूँ, बस शाम को खाना खाने के बाद ये नहीं पता रहता कि मैं बेड पर हूँ या धरती पर हूँ। कह लिया, अच्छा तो एक काम, तो सुबह को जब सोच क्रिया करते हो तब तो खाली रहते होंगे, उस समय भगवान का नाम ले लिया करो। कह लेंगे, अच्छा ठीक है महाराज, लेकिन लेना क्या है, कौन क्या भगवान का नाम जपना क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक ही नाम जपना है,
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम का नाम जपना है। ठीक है महाराज, अगले दिन से उन्होंने जैसे सोच के क्या करते हैं तो भगवान का नाम भजना शुरू कर देते हैं। तो अब आप तो जानते हैं प्राचीन समय में कभी कभी लोग सुबह को सोच के क्या करने के लिए घर से बाहर चले जाया करते थे। तो उसके भी मन में आया कि चलो आज मैं भी खुली हवा में कर लिया, तो बाहर जाके बैठ गए। अब जब वो वहां बैठे तो जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम लिया तो ऊपर से हनुमान जी घूम रहे थे। और आप तो जानते हो जहाँ भगवान का राम उच्चारण हो तो हनुमान जी की जो श्रवण करने की इंद्री है वो अपने आप वहाँ पहुँच जाती है। तो जैसे ही हनुमान जी ने देखा अरे इतनी पवित्र जगह पे मेरे प्रभु का नाम जप रहा है, एकदम नीचे आए और उसकी कमर में एक लात मारी। तो वो बोले जपो तो मुसीबत, ना जपो तो मुसीबत। महाराज कहते हैं भगवान का नाम भजो और ऊपर से ये दंड मिल गया, उन्होंने भगवान का नाम लेना बंद कर दिया। तब हनुमान जी अपने भगवान के दरबार में गए तो देखा भगवान का दरबार तो आज बंद है। तो उन्होंने पूछा भाई आज भगवान का दरबार क्यों नहीं लगा, चले गए वहाँ प्रभु विश्राम कर रहे हैं। तो वो घूमते घूमते अंदर चले गए। उन्होंने कहा प्रभु क्या बात आज, चले गए हनुमान आज मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, देखूं क्या हुआ लाओ मैं दवा देता हूं। तो जैसे ही उन्होंने भगवान की पीठ को देखा तो उस पे उनके चरण का चिन्ह अंकित था। तो जैसे ही उन्होंने अपने चरण का चिन्ह देखा तो वो रोने लगे और अपने आप पे गुस्सा करने लगे कि मेरे चरण का चिन्ह भगवान की पीठ पे कैसे आया। तब भगवान बोले हनुमान देख रहे हो मेरी पीठ पे तुम्हारे पैर का चिन्ह है। तो बोले प्रभु लेकिन हुआ कैसे ये। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि हनुमान जब मेरा कोई नाम चाहे शुद्ध अवस्था में ले चाहे कोई अशुद्ध अवस्था में ले, जब कोई भी मेरा नाम लेता है तो मैं पूर्ण रूप से उसके शरीर में समाहित हो जाता हूँ। और अगर उस पर कोई जरा सा भी कोई प्रहार करता है तो वो प्रहार उस व्यक्ति पे नहीं बल्कि सीधे मेरे ऊपर होता है। भगवान कहते हैं और वैसे भी तुम तो जानते हो बचपन में तुमने सूर्य को फल समझ के निकल लिया था, बड़े बड़े पर्वत को उठा के इधर से उधर फेंक देते हो। तो भला तुम सोचो तुम्हारी पे एक लात का प्रहार क्या वो व्यक्ति सहन कर सकता था। वो तो क्या हुआ मेरे नाम का सहारा उसके साथ था, इसलिए उस लात का जितना भी प्रहार था वो मेरी कमर पे आया। इसलिए यहाँ पर यही शिक्षा दी जाती है कि भगवान के नाम में और नामी में कोई भेद नहीं। इसी तरह से गुरुदेव की बात कहते हैं कि हर समय अपनी जिह्वा पर बस एक ही नाम रखो, क्या हरे कृष्णा कृष्णा से बोलो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। गुरु जी के चरणों में एक निवेदन करना है। गुरुदेव जब ये 25 मार्च को सभी मंदिर बंद हो गए थे कोरोना की वजह से, तब
हमने एक यहाँ टीम गठित की थी और उस टीम को मैंने आपसे बिना अनुमति दिए ही ये विश्वास दिला दिया था कि जब भी गुरुदेव आएंगे तो मैं आप सबको गुरुदेव का आशीर्वाद दिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गीति मुझ के भजन याद किए हैं, बहुत सारे गीता के श्लोक याद किए हैं, इसी आशा से कि हमें गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि उन सब के लिए भी थोड़ा सा आशीर्वचन बोलें। उनमें हैं एक तो रेखा दीदी, रेखा जैन हैं, और मीनाक्षी दीदी हैं, और एक नेहा है, और हमारे अरुण हलवाई हैं, कमल प्रभु जी हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनके मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, एक अनीता दीदी हैं। इन सब ने बहुत मेहनत करके बहुत सारे श्लोक याद किए और गीत मुझ के भजन भी याद किए हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ गुरुदेव से कि उनको ये भी कोई आशीन वचन बोल दें। हरे कृष्ण। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसी भगवत गीता की जय। इसलिए गीता की महात्म का श्लोक में बताए बोले गीता सुगीता कर्तव्य कि मनए सविस्त्रय विस्तरय जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मम विनिश्रित। जो भगवत गीता है यहाँ के लिए भगवान कहते गीता सुगीता कर्तव्य की मनई शास्त्र विस्तरे हैं। कहते जो गीता किसकी मुंह से ये वाणी निकली है? कहते भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद से ये वाणी निकली है। इसलिए जब ये भगवत गीता जो भगवान की स्वयं मुख से निकली, फिर दूसरे किताब की दूसरे पुस्तक क्या जरूरत है? इसलिए जो व्यक्ति ये गीता को याद करते हैं वो गीता भगवान की मुखनिष्ठ वाणी है। और गीता की इतना महत्व कल जहाँ पर ये भगवत गीता पाठ हो वहाँ पर साक्षात श्री भगवान राधा रानी को साथ में वहाँ पर निवास करते हैं। भगवत गीता में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु एक समय दक्षिणी यात्रा कर रहे थे। दक्षिणी यात्रा करते हुए उन्होंने देखा एक ब्राह्मण गीता पढ़ रहा था, लेकिन गीता तो उल्टा पुल्टा पढ़ रहा था, संस्कृत तो उच्चारण ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन गीता पढ़ते समय वो रो रहा था। महाप्रभु ने बोले भैया तू तो गीता श्लोक ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन तुम ये रो रहे हैं क्यों? देखो वो ब्राह्मण क्या कहता है, बोले प्रभु जब मैं गीता पढ़ता हूँ वो देखता हूँ साक्षात कुरुक्षेत्र में एक तरफ में पांडव और एक तरफ में कुरु, दोनों तरफ में दोनों सैनिक खड़े हुए और बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये गीता उपदेश दे रहे हैं। इसलिए जब जब मैं गीता खोलता हूँ तब तक मैं साक्षात कृष्ण अर्जुन को मैं दर्शन करता हूँ, और दर्शन करते ही मेरे आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाती है। इसलिए महाप्रभु ने बोले सचमुच से तुम्हारा ही गीता पढ़ना तुम्हारा ही सार्थकता। क्यों? गीता में साक्षात भगवान की निवास है भगवत गीता में। इसलिए कृष्ण गीता में ही भगवान स्वयं जो भगवान को जो अंतिम जो उपदेश है कहते हैं अर्जुन अभी तक मैं तेरे को गोपनीय गोपनीयतर और गोपनीयतम कथा में तुमको बता चुका हूँ, चूंकि तुम मेरे दोस्त हो जो गोपनीय में मैं जो सर्वश्रेष्ठ गोपनीय कथा में तेरे को बता रहा हूँ वो क्या है? बोले मन मना भव। कहते ये मन और किसको मत दिया करो, ये मन तुम मुझे दो। मत भक्त भव, अगर भक्त बनना तो किसका भक्त बनना? तो मेरा ही भक्त बनना। बोले प्रणाम करेगा तो किसको प्रणाम करना? बोले माम नमस्कुरु। बोले पूजा करेंगे तो किसको? बोले कृष्ण कहते मेरे को। बोले अगर तुमको सब कुछ करेंगे तो मिलेगा क्या? बोले माम एससी, तो मुझे प्राप्त करोगे। बोले तेरे को पाने से क्या होगा? देखो कृष्ण कितना बड़ा कथा कहते हैं। बोले और जितने देवा देवी का अगर तुम उपासना करोगे, कहते अगर तुम ब्रह्मलोक तक भी चले जाओगे पुण्य समाप्त तो होते फिर तुमको गिरना पड़ेगा, लेकिन जो केवल मुझे प्राप्त करता है जत कत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, जिस धाम में एक बार जाने से कभी वहां से उसको पतन नहीं होता है, चिरकाल के लिए मेरे धाम में रहता है। इसलिए जो भगवत गीता है ये साक्षात भगवान कृष्ण की मुखनिसृत वाणी है। इसलिए आप लोग जो महात्मा गांधी का नाम सुने होंगे, जब जब उनको कोई खुद कहते हैं जब जब मेरे को कोई समस्या आती थी मैं ये भगवत गीता पढ़ता था, ये गीता से ही सॉल्यूशन मेरे को मिल जाती थी।
इसलिए गीता ऐसे के ग्रंथ है, ऐसे कोई समस्या नहीं जो समस्या की हाल की भगवत गीता से नहीं होता है। बोले श्री भगवत गीता की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए जिन लोगों ने ये गीता की श्लोक याद किया है, भगवान का आशीर्वाद हो और गुरु जी उनके ऊपर में कृपा करें, आशीर्वाद करें। और आप लोग भी कोशिश करना सबके सब गीता श्लोकों को याद करने के लिए, ठीक है। हाँ, बामन देव बनाए कहाँ है? बामन देव कहाँ पर उधर है, ठीक है। अरे 5 मिनट उनके ले आना। हाँ, हरे कृष्ण। देखो ये देवता दैत्य में जब लड़ाई होती थी, देवता मरे तो मर जाए, दैत्य मरे तो उनका गुरुजी शुक्राचार्य उनको जिंदा कर दे। तब उन्होंने श्री ठाकुर जी के पास में गए, बोले हम अमृत को कैसे प्राप्त करेंगे? बोले समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, अमृत पी करे के ही अमृत को प्राप्त कर सकते हो। अमृत सबसे पहले निकला हलाहल बीज, जिसको शंकर जी पान करके अपना कंठ में धारण कर लिया, इसलिए उनका कंठ पड़ गया नील, इसलिए शंकर जी का एक नाम हो गया नील कंठ। बोले श्री नीलकंठ महादेव की। इसलिए शंकर जी जगत को शिक्षा देते हैं, कोई भी गंदे काम हो उसको मुंह में मत रखा करो, अपना दिल में मत रखा करो। कहां पर रखो उसको? अपना कंठ में ही रख लो। फिर समुद्र मंथन हुई, दिव्य दिव्य उसने रत्न निकला और अलग अलग देवताओं ने उसको, दैत्यों ने बांट करके ले लिया। जब उससे धन्वंतरी ने जिस समय अमृत कलश लेकर निकला, फिर तो देवता दैत्य में लड़ाई प्रारंभ हो गई। दैत्य लोगों ने जोर जबरदस्त छीन लिया। ठाकुर जी ने देखा अगर ये दैत्य लोग पान करेंगे तो अमरत्व को प्राप्त करेंगे, फिर दुनिया ध्वस्त का कारण बनेगा। फिर भगवान श्री मोहिनी अवतार लेते हैं। बोले श्री मोहिनी भगवान की। इनको देख करके इनकी जो लड़ाई थी ना, लड़ाई खत्म, क्योंकि दैत्य लोग तो इनको देख करके इससे पागल हो गए। उनको साथ में बात करने के लिए इतने पागल हो रहे थे बात करने के लिए। इतने में भगवान ने कहा भैया क्या बात, क्यों लड़ाई कर रहे हो? बोले तुम लोग क्या लगते हो? बोले भाई भाई लगते हैं। बोले ये जो पीले पीले तिलक लगा करके बैठे ये कौन है सबके सब? बोले ये सबके सब हमारा भैया है, हैं भैया है। बोले लड़ाई क्यों कर रहे हैं? बोले अमृत के लिए। दैत्य लोगों ने कहा देखो मोहिनी, अमृत पियेंगे तो तुम्हारी हाथ में पियेंगे, नहीं तो पियेंगे नहीं। मोहिनी बोली देखो मैं अनजान स्त्री हूँ, अनजान स्त्री को प्रति विश्वास नहीं करनी चाहिए। इतने में तो दैत्य लोगों ने बोले अमृत पियेंगे तो तेरे हाथ में, नहीं तो अमृत पियेंगे नहीं। बोले देखो ऐसे नहीं बीच में लड़ाई करोगे, मैं जो कुछ करना कुछ बोलना नहीं। बोले मोहिनी कुछ भी नहीं बोलेंगी। बोले पहले ये देवता लोगों को पानी पानी पिला देती हूँ, फिर एकांत में बैठ करके हम गाढ़ा गाढ़ा पियेंगे। बोले मोहिनी अमृत नहीं मिला, अगर तू मिली गई ना हमें सब कुछ मिल जाएगा। भगवान तो देवता को अमृत पिला रहे थे, दैत्यों को प्रति तेरे चित्तवन से देख रहे थे और मीठी मीठी मुस्कुरा रहे थे। दैत्य लोग बताओ अमृत प्रति ध्यान ही नहीं, उनको ध्यान तो मोहिनी की मीठी मीठी मुस्कुरा हाट रूप को प्रति। जब उन्होंने अमृत पिला रहे थे, इतने में स्वर नाम भानु नाम का दैत्य चंद्र सूर्य के बीच में बैठ कर पान किया, तो चंद्र सूर्य इशारा करते ही भगवान चक्र को बुलाया, गला काट दिया, एक हो गया राहु एक हो गया केतु। कहते जहां पर उनका मांस गिर पड़ा ना, जहां पर उनका हड्डी गिरा, कहीं कहते हैं वो जो मांस जहां पर गिरा वहीं पर प्याज की पौधा हुई, जहां पर हड्डी गिरा वहीं पर लहसुन का पौधा हुई। इसलिए जो प्याज लहसुन है ये दैत्यों का क्या है, मांस और ये हड्डी, और कहीं आई ये गैया का मांस और हड्डी से ये प्याज लहसुन बना हुआ। ऐसे नवरात्रि आएगा कोई ये चीज को कोई ग्रहण नहीं करते। कारण किया, कहते इसका सृष्टि गंदी चीज से इसकी सृष्टि हुई, और इसको खाने से जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, ये तामस की भोजन, इसको हमें त्याग देनी चाहिए इस वस्तुओं को। अभी जब उन्होंने सब कुछ उन्होंने पिला दिया देवताओं को, और वहीं पर अमृत कलश फेंके और भगवान अंतर ध्यान हो गई, फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। देवता लोग तो अमृत पी चुके थे, जैसे केले का पेड़ को काटते हैं एक तरह से, जैसे उनको काटना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने देखा लगता है दैत्य वंश तो समाप्त हो जाएगा, फिर ब्रह्मा जी आकर के रोके, फिर गुरु जी शुक्राचार्य जी आकर के फिर उनको जिंदा कर दिया। फिर उन्होंने श्री बलि को बोले एक काम कर, तुम एक यज्ञ करो, जिस यज्ञ करने से विश्व जीत महायज्ञ, तो विश्व को जय करोगे।
फिर जब उन्होंने यज्ञ किया, गुरु जी की सेवा की, फिर श्री प्रह्लाद महाराज आए, अपना नरसिंह देव का प्रसादी माला उनको प्रदान किया बलि महाराज को, और वहां से एक रथ प्रकट हुआ अस्त्र शस्त्र को साथ में, बोले इसको ऊपर बैठ करके जो युद्ध करेगा उसको कोई मार नहीं सकते। फिर उन्होंने स्वर्गों को ऊपर में चढ़ाव कर दिया। जब उन्होंने शंख बजाए, दैत्य लोग तो डर गए, बृहस्पति को पास में गए, बोले गुरु जी, फिर उनको ताकत कहाँ से मिल गई? बोले देखो, इस बार उन्होंने अपना गुरु जी की ब्राह्मणों की सेवा करते हुए आई, अगर युद्ध करोगे ना सबके सब मारा जाओगे, इसमें तुम्हारे अच्छा है स्वर्ग राज्य छोड़ो और तुम मरते जगत में तुम भाग जाओ। बस जा करके बलि महाराज पूरा स्वर्ग राज्य को उन्होंने दखल कर लिया। अभी इनका जो माँ अदिति कश्यप ऋषि से बोले, मेरे बच्चों को स्वर्ग कैसे मिलेगा? बोले एक पय व्रत रखो, केवल 12 दिन का ये पय व्रत, उसका कुछ बहुत अच्छे अच्छे नीति नियम है, वो नीति नियम को पालन करो, भगवान स्वयं श्री वामन देव प्रकट होकर के तुम्हें स्वर्ग राज्य प्रदान करेंगे। श्री वामन देव दिन दोपहर में भगवान श्री वामन देव प्रकट हुए। बोले श्री भगवान वामन देव की, जोर से बोलो, बोले श्री भगवान वामन देव की। अभी प्रभु को दर्शन करने के लिए त्रिभुवन उमड़े, दर्शन करने के लिए जब त्रिभुवन उमड़े तब उनकी उपनयन संस्कार हुई, और कोई छत्री, कोई चामर, कोई खड़ाऊ, अलग 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 उनको प्रदान की। नियम है उपनयन संस्कार के बाद में गुरु जी को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। बोले गुरु जी क्या दक्षिणा चाहिए? बोले मेरे को स्वर्ग राज्य वापस दो, जाओ नर्मदा किनारे में बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं उनसे स्वर्ग राज्य वापस लाओ। जब जा रहे थे इतने में दूसरे दूसरे ब्राह्मण लोग भी जा रहे थे, ब्राह्मणों ने देखा ये इतने तेजस्वी, इतने सुंदर ये ब्राह्मण, अगर ये पहले पहुंच जाएगा ना राजा तो सारे दक्षिणा इसको ही दे देंगे, मेरे को हमको कुछ मिलेगा नहीं। इतने में ब्राह्मण लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी इनसे पहले हम जल्दी जल्दी चले जाते हैं, फिर हमें दक्षिणा मिल जाएगा। ब्राह्मण लोग जल्दी जल्दी चलते हैं, लेकिन जब उनको क्रॉस करके चलते हैं ना, फिर देखते हो बच्चा फिर आगे, बोले इसको तो हमने पीछे छोड़ करके आए, ये फिर आगे कैसे? फिर उनको क्रॉस करते हुए जब चलते फिर आगे, बीच में नर्मदा नदी आई, बोले अभी तेरे को मजा चखाएंगे, क्योंकि ये तो बौना सा छोटा सा, बोले अभी तुमको मजा चखाएंगे। इतने में भगवान जब एक चरण नदी में रखे गले तो पानी, फिर भगवान फिर पीछे हटते हैं, फिर एक चरण रखते तो गले तो पानी, फिर पीछे हटते हैं, बोले अभी मजा चखाएंगे। इतने में भगवान वामन देव एक ब्राह्मण को बोले, बोले हमें ये नर्मदा नदी पार करा दो। बोले करा तो दूंगा, एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले तुम्हें जो कुछ दक्षिणा मिलेगा आधा दोगे? आधा दोगे तो हम पार करा देंगे। बोले कोई बात नहीं, आधा दे देंगे। अभी उन्होंने ठाकुर जी को कंधे पर बैठा दिया। जब पार कर रहे थे नर्मदा नदी, वो ब्राह्मण साधारण नहीं, तत्वज्ञ ब्राह्मण, जब ठाकुर जी को बैठाया कंधे में, देखा ठाकुर जी के चरण में शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह, ये चिन्ह किसको अंदर में होता है? भगवान के चरण में। वो तो देख करके पहचान गए ये तो साक्षात भगवान विष्णु, और बीच में जाकर रोक गए। बोले देखो बच्चा, और कुछ देना पड़ेगा? बोले और क्या, बोल दिया तो आधा दूंगा, फिर और क्या मांग रहे हो? बोले प्रभु आपको मैं पहचान गया हूँ, आप साक्षात भगवान विष्णु, मेरे को और एक चीज देना, मैं जैसे आपको ये नर्मदा नदी पार करा रहा हूँ, एक दिन आप मेरे को ये भव सागर से भी पार करा देना। भगवान बोले तथास्तु। जब भगवान पहुँचते दरबार में, बलि महाराज तो इनके रूप को देख करके, बोले ये क्या चतुसन, ना स्वयं अग्नि देवी, ना चंद्र सूर्य जी, कौन आ गई जिनकी इतनी प्रतिभा, जिनकी उनको बैठा करके इनकी चरण की चरण धोकर के चरणामृत लेते हैं, सबको चरणामृत पिलाते हैं। बोले आज मैं आपको इतने दान दक्षिणा दूंगा, आपको कहीं भी अपना झोली पसारने का जरूरत नहीं। इतने में बोले आप जो कुछ मांगना मांग लो। बोले मैं ऐसे नहीं मांगता हूँ, पहले संकल्प करो तभी मैं मांगूंगा। जब संकल्प करने जा रहे थे, किसी ने जाकर के शुक्राचार्य जी को बोल दिए, बोले तू तो यहाँ पर स्वा स्वा में लगे हुए हो, तेरे जो चेला है ना लूटे जा रहे हैं चेला। बोले क्या लूटे जा रहे, मतलब कौन? बोले भगवान स्वयं आए लूटने के लिए।
इतने में शुक्राचार्य जो भागते भागते आए, बोले बलि सावधान। बोले क्या बात? बोले जानते ये कौन है? बोले ये स्वयं भगवान है, पहले जो मोहिनी बन करके आया था ना और तुम्हें ठग लिया था वही मोहिनी ही, अभी ये मोहन बन करके आया और ये तीन पग जमीन नहीं ये त्रिभुवन राज्य ले लेगा। देखो ऐसे दान को शोभनीय नहीं कहते जो कि सबके सब लूट जाए तुम्हारी। अरे अपना लिए तो घर गृहस्थी के लिए तो कुछ रखनी चाहिए ना, सब कुछ तुम दे दोगे हैं? उसने देखा शुक्राचार्य ने अगर चला अगर लूटा जाएगा तो गुरुजी के लिए कुछ बचेगा नहीं, इसलिए बोले सावधान। ऐसे दान को प्रशंसनीय नहीं मानी जाती है। इतने में बलि महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बोले एक तो देवी फिर शेर के ऊपर बैठ करके आई, ये तो डबल ही लाभ है। एक तो भगवान स्वयं मांगने के लिए आए और मांगने वाले है कौन? साक्षात दुनिया का मालिक। कहते मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है। अरे विश्व ब्रह्मांड तो उन्हीं का, वो तो चाहने पर सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन भगवान स्वयं मेरे पास में भिक्षा मांगने के लिए आए, ऐसे कोई सौभाग्यवान हो सकता है? इनको मैं जरूर दान दूंगा। गुरुजी बोले मैं गुरुजी मेरे आदेश पालन नहीं करोगे? बोले नहीं। बोले मैं तुमको अभिशाप देता हूँ, तू श्री भ्रष्ट हो जाओगी। बोले अयम अस्तु, लेकिन जरूर मैं भगवान को मैं दान जरूर मैं दूंगा ठाकुर जी को। जब इतने बोले गुरुदेव अभिशाप दे दिया, बोले जा तू श्री भ्रष्ट हो जा, लेकिन उन्होंने गुरु जी को उस समय पर त्याग दे दिया। देखो यहाँ पर एक शिक्षा दिया है, गुरु जी को कभी त्याग नहीं देनी चाहिए, ये पाप है, ये पाप कहते हैं। लेकिन इन्होंने गुरु जी को त्याग दे दिया। बोले क्यों त्याग दे दिया? कहते गुरु जी का काम क्या है? बोले गुरु जी का काम है अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चराचरम तत्पद दर्शितम जैन तस्मय श्री गुरुवे नमः। गुरु का काम है जो कण कण में जो भगवान है इनको जो दर्शन कराए गुरु। बोले तुम कैसे गुरु हो? साक्षात ठाकुर जी आए भिक्षा मांगने के लिए और तुम कहते हो ठाकुर को ही मत दिया करो, बोले इसको कोई गुरु कहते हैं? इसलिए उन्होंने कहते गुरु अगर असद गुरु हो शास्त्र में बताया गया उसको त्याग देने में कोई दोष नहीं, इसलिए उन्होंने गुरु जी को उन्होंने त्याग दिया। फिर जब संकल्प करने जा रहे थे फिर उन्होंने बीच में टांग अड़ा दी, कीड़े बन करके फिर कमंडल में बैठी गई और एक कुश में छेद किया था एक आँख ही चली गई हैं। इतने में वहीं से भगे। यहाँ सिखा देते हैं देखो धर्म कर्म में ना कभी भी टांग मत अड़ाओ। अगर कोई व्यक्ति कोई अच्छे काम कर रहे हैं भगवान की सेवा कोई अच्छे काम कर रहे हैं उसमें बीच में कभी टांग कभी नहीं अड़ानी चाहिए। हो सके तो तुमसे जितना हो सके मदद करो लेकिन कभी उसमें टांग मत अड़ाया करोगे। अगर टांग अड़ाओगे ना फिर आँख जाएगी तुम्हारी, हाँ फिर काना हो जाओगे, इसलिए कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इतने में फिर उन्होंने संकल्प करते हुए भगवान एक पग में भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक को मतलब ब्रह्मांड कटाव को भेद करते हुए भगवान के चरण जब पहुंचे वहीं पर माता गंगा की प्रकट हुए। बोले श्री गंगा देवी की जय, जोर से बोलो बोले श्री गंगा महारानी की जय। वहां पर गंगा देवी प्रकट होती हैं, दूसरे चरण में अतल बीतल तलातल पाताल सुतल लोग तक ले गए और तीसरे चरण रखने के लिए जगह नहीं। तब उन्होंने गरुड़ जी को बुला करके नागफास बंधन में जो बांध दिए, लेकिन उनको जो पत्नी थी ना वो बड़ी धर्मात्मा पत्नी थी, बड़ी अच्छी स्वभाव की। बोले भगवान को आपने दिया किया दुनिया, भगवान की, भगवान ने अपना दुनिया ले लिया, जब तक खुद को खुद नहीं देते हो थोड़ी देना होता है, दुनिया तो ठाकुर का ना, दिया क्या ठाकुर को? इसलिए बोले क्या दे? बोले बोलो ना अपना सर रख दो, ठाकुर जी अपना चरण सर पर रखेंगे। बोले वाह बड़ी सुंदर पत्नी है। यहाँ शिक्षा देते हैं स्त्री का नाम एक पत्नी, क्या नाम है? पत्नी मतलब क्या? प मतलब पतन से, ती मतलब जो पति को कभी पतन करने होने नहीं दे, पतन से जो त्राण कर ले उसका नाम पत्नी। इसलिए हर समय क्या करनी चाहिए? कहते एक धर्म पत्नी और एक धन पत्नी। कितना पत्नी? दो। धर्म पत्नी और एक धन पत्नी। धर्म पत्नी कौन है? जो पति को भगवत भक्ति में भजन में सुख दुख में कंधे मिला करके जो चलाए। और धन पत्नी कौन है? जब तक धन रहे तब तक रहे, धन नहीं तो जा, तू जा और मैं जा रही हूँ। इसलिए उन्होंने देखा ये धन पत्नी नहीं, ये हमारी
धर्म पत्नी है इसलिए प्रसन्न हो गए। बोले तुम्हारी जैसे पत्नी होनी चाहिए इसलिए। बोले प्रभु ये बताओ दान बढ़ाना दानी बढ़ा। बोले दानी बढ़ा। बोले अब तो दानी लिए, दानी तो अभी स्वयं बाकी है। बोले कहाँ चरण रखे? बोले सर पर रखो। फिर उन्होंने उनको सर पर चरण रखा। ए सारे देवता लोग देख करके बोले देखो जिस चरण कमल को ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार चित पद, जिन चरण को ब्रह्मा शंकर पूजा करते हैं आज वो दुर्लभ चरण कहाँ पर? श्री बलि महाराज का सर के ऊपर में। बोले श्री बलि महाराज की, श्री वामन भगवान की। भगवान प्रसन्न हो गए और उनको सुतल लोक में स्थान दिया। और बोले बाद में तुमको इंद्र पद की प्राप्ति होगी। बोले वर मांगो। बोले प्रभु यही वर दो, जब मैं घर से निकलू आपका दर्शन करूँ, जब घर में आऊ आपका दर्शन करके प्रवेश करूँ। फिर भगवान जैसे दरवान बन गए। दरवान तो है ही नहीं, भगवान भक्त वत्सल है। बैठ करके क्या करते थे भगवान? भक्त आपस में हरी चर्चा करते थे। एक दिन नारद वैकुंठ में पहुंचे, देखा वैकुंठ खाली। बोले प्रभु जी कहाँ गए? बोले पता नहीं कहाँ गए, तो अभी तक आए नहीं। बोले उन्होंने तो विदेश में नौकरी ढूंढ लिया। बोले विदेश में नौकरी? बोले कहाँ? बोले बलि महाराज का दरवान बन गए। इतने में माँ लक्ष्मी लेने के लिए आए और देखा भगवान तो जगते रहे बोल रहे। माँ लक्ष्मी बोली और यही कसर रह गया था केवल है, यही बाकी रह गई थी जगते रहो। बोले बात मत करो, अभी मैं ड्यूटी में हूँ, अभी मैं बात नहीं करूँगा। इतने में बलि महाराज रोज दान देते थे, माँ लक्ष्मी भी उसी लाइन में खड़ी हो गई। जब इनकी नंबर आई बोले पहले तुम संकल्प करो। बोले पहले तो एक संकल्प कराने वाला आया था, अभी तक तो मेरे को कोई संकल्प कराया नहीं, अब तुम दूसरे आ रही हो। अरे बे से मांगो ना संकल्प, क्या क्या जरूरत? बोले बगैर संकल्प से मैं कुछ मांगता ही नहीं। जब संकल्प की, बोले क्या चाहते हो? बोले मेरे घर में तो सब चीज है लेकिन एक दरवान की कमी, आपका एक अच्छे दरवान, वो दरवान को मेरे को दे दो। बोले बताओ आप है कौन? लगता है आप कोई साधारण नहीं। वहां पर माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट होती है। बोले माँ लक्ष्मी की, बोले प्रभु जी को तो मैं दे नहीं सकता हूँ। पर भगवान एक स्वरूप में रहे और दूसरे स्वरूप में ठाकुर जी आए हैं। देखो भगवान भक्तों का कितने बसीभूत हो जाते हैं। आज माँ लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। लक्ष्मी को हाथ कैसे रहती है ऐसे हर समय? बताओ लक्ष्मी को कौन नहीं चाहते बताओ? एक समय श्री जगन्नाथ बलदेव है ना, इनको भी भूखा रहना पड़ा। एक दिन बलदेव जगन्नाथ जी को बड़े गाली दिए। बोले तुम्हारी लक्ष्मी कैसे है? हैं जिस तिसको घर में चली जाती है, कोई जात पात कुछ नहीं, तिसको तिसको घर में, और तू इसको पास में लक्ष्मी को रखते हो, बिगड़ गए बलदेव जगन्नाथ जी के ऊपर में बिगड़े। तो गए तो लक्ष्मी नाराज हो गई, लक्ष्मी को कुछ नहीं दिया। लक्ष्मी नाराज हो गई तो साक्षात कृष्ण बलराम को इतने भूखे रहना पड़ा, दर दर इतने भूखे, कहीं खाने के लिए नहीं। जहाँ जाते हैं लक्ष्मी नाराज है ना, ठाकुर जी को पर लक्ष्मी नाराज हो गए तो ठाकुर जी भूखे रहना पड़ा। इतने दुर्दशा, इतने दुर्दशा ठाकुर की हुई, लक्ष्मी नाराज हो गई, भूखे मर रहे थे ठाकुर जी। फिर लक्ष्मी की कृपा हुई, इसलिए लक्ष्मी की सारा दुनिया लक्ष्मी की लक्ष्मी चाहते हैं। लेकिन आज वो लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। कौन? बलि महाराज। दान क्या दे रहे? छोटे मोटे चीज नहीं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक वामन देव को हाथ को लेकर के उन्हें लक्ष्मी को हाथ में उन्होंने पकड़वाए। बोले मैं आज साक्षात भगवान को तुम्हें दान दे रहा हूँ। इसका मतलब है जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उनकी प्रेम में कितने बसीभूत हो जाते हैं। बोलो उमा दीदी की जय। हाँ उमा दीदी को सबके सब आशीर्वाद करो, इनके एक एक्सीडेंट हो गई थी, इतना कष्ट होते हुए भी उमा दीदी कथा में आई है। ठीक है उनका की चेयर दे दो बैठने के लिए, तुम पीछे बैठ जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी बामन देव कहाँ है? अब बुला कर लाओ बामन, कौन लाने वाले बामन देव को? ले आओ बामन देव को। अरे भगवान आपके पास में भिक्षा लेने जाएंगे, आप लोग उनको थोड़ा थोड़ा भिक्षा देना। और देखो कल राधा रानी का जन्म उत्सव, आज कौन सा रंग का कपड़ा पहनो? पीले। कल कौन सा कपड़ा पहनो? गुलाबी रहेगी, तुम तो पहनोगे नहीं, इसलिए कल राधा रानी की कल जन्म होगी। हाँ प्रभु जी बाबर बाबर बामन देव तो बहुत बड़े बामन देव। लेकिन
भगवान कन्हैया अभी जन्म लेने वाले, आज आप लोगों के लिए उत्सव हमारे से लता दीदी और बेटा का नाम क्या? शिवम। शिवम कहा गया? शिवम, इसलिए ये शिवम इनका जो सुपुत्र बेटा जी और बुआ जी इनकी, हाँ भागवत वाले बुआ जी, इन लोगों ने आज आप सभी के लिए बड़ी सुंदर पूरी और बढ़िया मिठाई बनाया, सबके लिए बढ़िया रसगुल्ला बनाया। और हाँ, और महाराज रसगुल्ला ही है, क्या नाम है? रसगुल्ला इनकी तरफ से, चालू हो जाओ। हाँ, बेटी की जन्मदिन है। ठीक 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 ठीक, इसलिए आज सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था आप लोग कर ही, बड़े सुंदर पनीर और मटर की सब्जी, बढ़िया प्रसाद बनाए आप लोग को, प्रसाद सबके सब लेकर के जाना। आज ठाकुर का जन्मतिथि है, ठाकुर जी इन सबको ऊपर में ठाकुर जी का आशीर्वाद हो, ठाकुर जी खूब कृपा करें। इनके घर में लक्ष्मी, कृष्ण सेवा करने से ही लक्ष्मी आती है, हैं, लक्ष्मी तभी आएगी जब कृष्ण की कोई सेवा करेगा, इसलिए हैं आज सब ठाकुर जी इनको सबके ऊपर में आशीर्वाद करें, इनके ऊपर में ठाकुर जी कृपा करें। बैठे चुपचाप बैठो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। बोले कथितो वंस विस्तारो, जो नंद जसोदा बने हैं ना आप लोग ना थोड़ा उधर चले जाओ, जब हम बोलेंगे आप लोग आ जाना, ठीक है? हमारे बेटा कहाँ गया? हाँ यहाँ पर शुभम, शुभम है ना, हाँ जाओ। एक कृष्ण एक बलराम बन जाना, ठीक है? एक कृष्ण उनको ये है पग, ये मुकुट है ना, हाँ ठीक है, आप लोग उधर चले जाओ। और उसके माँ कौन है? तुम माँ चले जाओ, ऊपर में अच्छे कपड़ा ओढ़ कर जाना, शादी का समय का, जाओ उधर उधर चले जाओ, जब मैं बुलाऊंगा सबके सुबह ना। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। बलि भागवत ग्रंथ में विशेष करके दो वंशावलियों की कथा आती है, कहते एक चंद्रवंश और एक सूर्य वंश। यद्यपि इन्हीं दोनों वंश में बड़े बड़े राजा लोग तो आए हैं, लेकिन सबसे प्यारी किसकी कथा है? बोले एक भगवान कृष्ण और एक भगवान श्री रामचंद्र, जो हमारे सनातन धर्म के जो सबसे दो 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 जो भगवान। जब श्री राम लाला की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जब ये कृष्ण की कथा आने लग गई दशम स्कंध में, सुखदेव गोस्वामी का हृदय में जैसे सुंदर टीवी में जैसे सुंदर सीरियल देखते हैं, इनके हृदय में तो पूरा कृष्ण लीला इनके हृदय में प्रकट हो गया। और इन्होंने क्या किया, एक श्लोक को बोल करके पूरा के पूरा कृष्ण लीला को गान कर लिया। कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुए, कैसे कृष्ण गोकुल में गए, हर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कैसे बड़े धूमधाम से नंद महोत्सव बना, कैसे पुतना अघासुर बकासुर सकटासुर को मारे, कृष्ण कैसे गिरिराज को उठाए, कैसे कृष्ण मथुरा में कंस को उद्धार करते हुए, कैसे वहां पर उन्होंने कंस को उद्धार करके कैसे द्वारका में गए और 16108 पटरानियों से शादी हुई, सबसे 10-10 बेटे एक एक बेटी हुई, और कैसे ऋषियों को पास से अभिशाप को ग्रहण करते हुए प्रभास क्षेत्र में उन्होंने अपना अंतिम लीला को समापना किया। ये एक श्लोक में बोल करके ना, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, एक श्लोक में सारे कथा को बोल करके बात खत्म कर दिया, चुप हो गए। परिकृति महाराज बोले क्या हो गया? बोले बोल दिया ना कृष्ण कथा। बोले मैं तो 4-4 दिन से इसलिए बैठा हुआ हूँ केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए, कृष्ण मेरे कुल देवता है, माँ के पेट में उन्होंने मेरे को रक्षा की थी, जैसे अगस्त ऋषि एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र को पान कर लेते हैं, अब तो पूरा के पूरा कृष्ण कथा को पान कर लिया। बोले ऐसे क्यों? इसका दो कारण बताए। पहला कारण था, ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबन एकांत कनन रहस्य पाठी
निकुंज प्रसाद सीता निवासी। ये सुखदेव गोस्वामी राधा रानी की निकुंज मंदिर में रहने वाली राधा रानी जिनको चुंबन करती थी और सारे लीलाओं को जो दर्शन करी, ये श्री सुखदेव गोस्वामी। ये भी चाह रहे थे कब कृष्ण कथा आए और जी भर करके मैं कृष्ण कथा सुनाऊं। उदाहरण दिया, जैसे जेठ के महीना हो, कोई व्यक्ति बहुत गर्मी पड़ रहा है और गर्मी से आ रहा है, छाती फट रहा है पानी के लिए, अगर एक गिलास उनको जूस दो क्या करेगा, एक साथ में वो पी लेगा। ऐसे ही श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण उनकी विरह में हैं, कब कृष्ण कथा आए और हम गायन करें। जब कृष्ण कथा आए, ए पूरा के पूरा एक श्लोक में उन्होंने सारे कृष्ण कथा को गान कर लिए। जब चुप हो गए परीक्षित महाराज, बोले क्या खत्म हो गया? बोले हाँ। बोले परीक्षित, चार चार दिन हो गया तो एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं किया, थोड़ा पानी तो ले ले। बोले प्रभु, पानी के लिए जितना गड़बड़ी हुई ना, मैंने पानी मांगने के लिए ऋषि को गया, पानी नहीं दिया, इसलिए मैंने मृत सर्प को डाल दिया और उनको बेटा ने हमें अभिशाप दिया। पानी की बात कर रहे हो, पानी की बात मत करो, आपकी कथा रूपी अमृत को मैं पान करते करते मैं तृप्त हो रहा हूँ, आपकी मुखार बिंद को दर्शन करते हुए मेरे आनंद की सीमा नहीं, आपकी मुखार बिंद रूपी जैसे एक चकोर जैसे चंद्रमा किरण को पान करता है, आपकी मुखार बिंद से जो कथा रूपी मंदाकिनी को मैं पान करके तृप्त हो रहा हूँ। अगर बीच में कथा बंद कर दोगे ना, मेरे को प्यास लगने लग जाएगी, इसलिए कथा को आप बंद मत किया करो। बात खुश हो गई, बोले तो मैं तो यही परीक्षा कर रहा था, सचमुच से इनको कथा सुनने की आग्रह है। फिर तो उन्होंने कृष्ण 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 ही कथा सुनाई। इसलिए यहाँ कह रहे हैं भगवान की कथा कैसे है। श्री वल्लभाचार्य कहते हैं भगवान कैसे, बोले रस स्वरूप भगवान, रस बैस रसम झेवायाम लब्ध आनंद भवती। भगवान आनंद रस स्वरूप है, इसलिए भगवान मधुर मधुर, इसलिए वल्लभाचार्य कहते हैं बोले आधरंग मधुरंग बादनंग मधुरंग नायनंग मधुरंग चरितंग मधुरंग हृदयंग मधुरंग कमनंग मधुरंग मधुरंगे पतरा के भगवान। आप लोग आज रसगुल्ला खाएंगे, जिधर खाओ ना उधर मिठाई मीठा, उसी तरह कृष्ण पूरा की पूरा रसगुल्ला है, और जिधर उनका सब कुछ मीठा, उनकी बोलने मीठा, हंसने मीठा, देखने मीठा, चलने मीठा, सब भगवान पूरा रसी रस है ठाकुर जी हैं। इसलिए जिधर खाओ ठाकुर जी मिठाई मिठाई है। इसलिए उन्होंने बताए भगवान की कथागत तीन गंगा, एक स्वर्ग में मंदाकिनी, मर्त्य जगत में भगीरथ और पाताल में भोगवती, जैसे ये तीन लोगों को कल्याण करती हैं। कृष्ण कथा भी सुनने वाले, बोलने वाले, प्रश्न करने वाले, ये तीनों को कृष्ण कथा कल्याण करती हैं। कृष्ण कथा इतना मीठा है, बोले निवृत तस्य रूपगीय मनात् भव औषध छत्र मनोभिरामात्। बोले भगवान की कथा जो आत्मा में रमण करने वाले कौन, सुखदेव गोस्वामी चतुसन, इनको भी भगवान की कथा आकर्षण करने वाले। कहती अगर भवसागर से कोई पार होना चाहते हैं, सबसे मीठी दवा भगवान का कथा है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कोई ध्यान यज्ञ कुछ भी मत करो, केवल बैठो कथा सुनो, कथा सुनते 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 तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। इसलिए भगवान की कथा सबसे मीठी दवा। बोले भैया दवा तो बड़ी कड़वी होता है, एलोपैथी दवा खाई कि नहीं, झट मुंह में देकर पानी लेकर सटका देते, क्यों बड़ी कड़ी हुई है। कहते क्या भगवान की कथा कड़ी? बोले नहीं, हृत कर्ण रसायन, हृदय और कान को ये बड़ा आनंद देने वाले ठाकुर जी की ये कथा है, बड़ी मीठी दवा भगवान के नाम। इसलिए उन्होंने बोले जिस समय ये कंस ने किया कि अपना पिताजी को जेल में बंद कर दिए और बोले मेरे देश में कोई भी हरि कीर्तन नहीं कर सकते हो, यज्ञ नहीं कर सकते हो मेरे देश में, जो करेगा उसको हम जेल में बंद कर देंगे, कंस ने सबको जेल में बंद कर दिया
हैं। और जितने संत लोग जेल में बैठे करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 नारायण गोविंद जय जय नारायण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद सबके साथ संत लोग बैठ कर कीर्तन कर रहे हैं। अब ये पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई, पृथ्वी ब्रह्मा शंकर और सारे इंद्र चंद्र देवता जाकर खीर समुद्र के पास में पुरुष सुक्त मंत्र से भगवान को पुकारा। आकाश वाणी हुई, ब्रह्मा जी तुम्हारी दुख कष्ट को मैं समझ गया, हे देवताओं तुम लोग जदुवंश में जन्म ग्रहण कर देवियों वृंदावन में गोपी बन करके आओ। अभी कंस ने अपना बहन देवकी को साधी दिला करके स्वयं सारथी बन करके जो विदाई दे रहा था, बीच में आकाश वाणी हुई बोले रे मुड़ा कंस, जिसको इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो उसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तलवार निकाल करके चोटी पकड़ कर मारने जा रहा था। इतने में वसुदेव ने देखा ये आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होगी, साम दाम दंड भेद निधि समझाया लेकिन समझा नहीं। लास्ट में बोला देख तेरे को पता मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बोले हाँ, बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सबके सब सारे संतान तेरे को मैं दे दूंगा। अभी ठाकुर का इच्छा है, अभी उनको जो एक एक बच्चे को उन्होंने छह बच्चों को उन्होंने मार डाली, लेकिन जो पहला बच्चे को दिया ना उसका तो हृदय द्रवीभूत हो गया, अपना बच्चे को मौत को हाथ में, बोले इसको तू ले जा अष्टम गर्भ का संतान से मेरा मतलब है। नारद जी ने देखा गड़बड़ी हो गया, बोले क्यों, तभी भगवान आएंगे पाप की जब घड़ा भरेगा, इसका हृदय में तो दया की भावना आ रही है। बस नारद जी आकर उनको भड़काए और एक आठ जिसमें पंखुड़िया एक पुष्प लेकर के आए, बोले बताओ तो ये पहला नंबर कौन आठवां नंबर कौन, बोले कैसे बताए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बोले उल्टा गिनो, बोले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बोले गुरु जी क्या बताना चाह रहे हो, बोले तेरे समझ में नहीं आ रहे, बोले नहीं, बोले भैया देवता का वाणी समझना बड़ा कठिन है, अगर वो उल्टा से गिने तो जिसको एक कर रहे हो आठ हो जाएगा, जब ये सबके सब बड़े होएंगे मिल करके तेरे को मारेंगे। बोले गुरु जी फिर सबको मार दूं, बोले मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरे बाप जानता, ए बस भड़का दिया और भाग गए। उनने छह बच्चों को उन्होंने मार डाले, छह बच्चे कौन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। बोले भगवान को हृदय में बैठना चाहते हो पहले इसको खत्म करो, उसको बाद में सप्तम गर्भ में रोहिणी के बेटे रूप में साक्षात श्री दाऊ भैया आते हैं। बोले श्री दाऊ भैया की जय, श्री बलदेव प्रभु की जय। बोले बलदेव प्रभु कौन है, बोले ये संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता जो भगवान को धारण करते हैं, हैं, इसलिए अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण आएंगे। लेकिन भगवान का जो जन्म कर्म है, जन्म कर्म चमे दिव्य अप्राकृत है, जैसे साधारण बच्चा कैसे जन्म लेता है पिता माता के मिलन से, लेकिन भगवान का स्वरूप कैसे है, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए वसुदेव महाराज देवकी को बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कृष्ण की कथा सुनाए, जैसे गुरुदेव कानों में मंत्र देते हैं मंत्र रूप में ठाकुर के हृदय में देते हैं, उन्होंने जब उनको कथा सुनाए शब्द ब्रह्म रूप में देवकी के गर्भ में भगवान आए, जो माता देवकी गर्भ धारण की कंस देख कर तो डर गया, क्या उनकी ज्योति क्या उनकी स्वाभाविक रूप में हंसी, समझ गया मेरे काल आ रहा है, मारने के लिए कोशिश कर रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हुआ, अभी सारा दिन काले काले मुरली वाले को याद कर रहा है कंस हैं। इतने में सारे देवता लोग आकर के बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य स जोनी निहितम च सत्य सत्य स सत्य मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपद्ये। भगवान को सत्य सत्य बोल करके स्तुति कर रहे थे, बोले हे प्रभु आप तो त्रिकाल सत्य हो, आप हो, आपने जो बताया था आने के लिए सचमुच से आप अपना वाणी को रक्षा कर रहे हो। भगवान की क्या व्रत है, बोले उनका व्रत है बोले सकृत एव प्रपर्णा जस्तवाम स्मितते जाचते
अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। ये भगवान का व्रत, क्या व्रत है? एक बार अगर सच दिल से कोई बोल दे ठाकुर तू मेरा मैं तेरा हूँ, ठाकुर जी कहते मेरे हर समय उसको अभय प्रदान करता हूँ, कभी वो मरेगा नहीं है। इसलिए बड़े सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे थे। अभी ठाकुर जी आने वाले, साधारण कोई मंत्री आए उनके लिए कितने स्वागत होता है, अभी विश्व ब्रह्मांड का मालिक क्या आ रहे हैं। इसलिए देवता लोगों ने बोले प्रभु जो व्यक्ति ज्ञान कर्म को जो आश्रय ग्रहण करते हैं बड़ी कठोर साधन करते हुए भी पतन होता है, लेकिन तेरे जो भक्ति करते हैं उनका कभी पतन नहीं होता है। जैसे विघ्न है, विघ्न को सर के ऊपर प्यार रख करके, जैसे गैया का खुर में जितने पानी होता है आसानी से जैसे उसको पार कर लेते हैं, तेरे भक्त भी ये भवसागर को ऐसे ही पार कर लेते हैं। बड़े सुंदर स्तुति कर रहे थे। अभी पूरा विश्व ब्रह्मांड एकदम दुल्हन के भांति वृंदावन सज गई। बोले क्यों? बोले कृष्ण आएंगे कुंजो कुंजो में, कंदरा कंदरा में लीला करेंगे। पृथ्वी प्रसन्न हो रही थी। बोले क्यों प्रसन्न हो रही थी? भगवान नंगे प्यार में गोचारण करेंगे, उनका शरीर उनका चरण स्पर्श मिलेगा और सत्यभामा रूप में पृथ्वी आएगी। जमुना कलकल नाद से बह रही थी। बोले श्री जमुना महारानी की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यमुना खुश हो रही थी। बोले क्यों? भगवान मेरे अपना सखी बनाएंगे, कृष्ण जल विहार करेंगे। सारे नदी खुश हो रही थी। बोले किस लिए? बोले हम भी उनकी साली बनेंगे, क्योंकि यमुना बड़ी बहनी इनकी छोटी बहनी है, इसलिए हमें भी प्रेम करेंगे। कमल फूल खिलता है दिन में लेकिन रात में खिली गई, कारण क्या? बोले जितने संत लोग भगवान का सारे अंग को बोले नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी, सब कमल को साथ में उदाहरण देंगे, इसलिए आकाश में मेघ छा गया। बोले क्यों? बोले भगवान मेरे रूप धारण करते हुए आ रहे हैं। और कृष्ण भादो की महीना अष्टमी की रात को ठाकुर जी हैं, बुधवार का दिन ठाकुर जी प्रकट हुए, चंद्रमा आधी, लेकिन आज चंद्रमा पूर्ण चंद्र रूप में प्रकट हुए। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी आज मेरे वंश में, ठाकुर जी मेरे वंश में ठाकुर जी आ रहे हैं। चंद्रमा ऊपर मेघ नीचे है, अभी दोनों में तो लड़ाई हो गया। चंद्रमा बोले मेघ हट जा मेरे सामने। बोले क्यों? बोले तेरे को पता नहीं किसका वंश में आ रहे हैं? मेरे वंश में। मेघ ने कहा तेरे को पता नहीं किसका किसका कलर लेकर के आ रहे हैं? बोले मेरे कलर लेकर के। लड़ाई करना शुरू कर दिया। देवता बोले भैया लड़ाई करने का समय नहीं, आनंद लेने का समय, तू भी थोड़ी सी हट जा, दोनों आनंद लो। सारा दुनिया जय जयकार कर रहा था। इतने में भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के देवकी वसुदेव की कारागार में प्रभु प्रकट होते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देवकी बोली प्रभु वसुदेव आपको तो पुत्र रूप में प्रार्थना किया था। बोले पूर्व जन्म की बात को याद दिलाने के लिए आया, पिछली जन्म में मैं प्रश्न सुतपा थे, तुम लोगों ने पत्ते खा खा करके 10,000 साल तपस्या की, मैंने कहा बरमागो, तुम दोनों ने कहा आप बेटे बन करके आओ, छोटा बच्चा बन जाऊंगा, मेरे को गोकुल में रख लेना, वहां से बेटी ले आना। बोले श्री वृंदावन बिहारी उनको ले आओ। हाँ अभी भगवान साक्षात आ रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं, आप लोग उनको सबके सब स्वागत करो। और डोललाल प्रभु जी बधाई शुरू कर दो, ले ले आओ उनको, ले आओ जनार्दन ले आओ। अरे इनके लिए कोई चेयर दे दो बैठने के लिए, कोई चेयर है? तो मथुरा में लाला प्रकट भयो और जसोदा भैया के ब्रज अवस्था में नंद बाबा के गोकुल में लाला को जन्म भयो, तो समस्त ब्रजवासी नंद की द्वार पे बधाई लेने चलती है। चलो भैया समस्त ग्वाल वाले, चलो भैया चलो भैया चलो गोपियों चलो, आज तो गोपी भी बहुत आई है। जय जय श्री राम। बस श्री नंद यशोदा की देव की वसुदेव की इधर आ जा। जनम सुन लालन को धाए सब गोपी ग्वाल, जय 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 बोलते जय 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 बोलते
कुंपा है जब लाला को जन्म सुनो समस्त ब्रजवासी लाला के द्वार पे चढ़ने लगे, समस्त गोपियां भी दौड़ने लगी, चलो भैया चलो सखिया चलो। एक बार लाला का जयकारा दोनों हाथ को उठा के हो जाए, बोलो नंद के लाला की। सखी चलो नंद के द्वार, ये बस में देखी थोड़ा सा भैया ने आप लोग थोड़ा आगे हो जाओ तो मैं थोड़ा इधर आ जाओ, प्रभु जी आप इधर आ जाओ, सखी चलो नंद के द्वार, आहा द्वार लाला के दर्शन I'm
सब जो लाला की खबर सुन के आई हूँ मैं तो बधाई लेके जाऊंगी। यहाँ तो लाला के बाबा भी हैं, लाला की मैया भी है, लाला की बुआ भी है, लाला की बहन भी है, सबसे बधाई लेके जाऊंगी आज तो भैया। निकाल दो चकाचक लाला के चाचा चाची सब है भैया। देखो जो बधाई देंगे वो भीड़ में नहीं आएंगे, एक जगह दे देंगे किसी को, कोई आगे खड़ा हो जाएगा अगर कोई बधाई देना चाहता है। आइए देखिए, अगर कोई बधाई देता है तो भीड़ में नहीं आएगा कोई भी। तो मुझे दिख रहा है कि बधाई के लिए देने के लिए सभी इच्छुक हो गए लाला के जन्मदिन। आइए, एक व्यक्ति है जो और जो नाच नहीं रहा वो थोड़ा पीछे होकर के ताली बजा करके नृत्य करने वालों को स्वागत करेंगे। दो गज की दूरी है बहुत जरूरी है। सगरी सगरी रात में I'm
Hey!